तो क्लास 12 एक्सरसाइज 1.2। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, एक्सरसाइज 1.2 का सोल्यूशन चाहते हैं तो हमारे द्वारा बनाए गए सभी पार्ट को देख ले, आपको क्लास 12 की संपूर्ण सोल्यूशन मिल जाएगा थ्योरी प्लस एक्सरसाइज का। आप सभी पार्ट को देख करके संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, आपको कहीं पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए एक नंबर का जो सवाल है ये कि एफ एक्स बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ फंक्शन, समझ गया ना, r*2r*, एक एक ही आच्छादक है जहां r* सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत r* को n से बदल दिया जाए जबकि सप्रांत पूर्ववत r* ही दे, तो क्या यह परिणाम सत्य होगा? तो पहले तो देखो फलन लिख लो, फंक्शन क्या आपको दिया है, fx बराबर 1/x, fx बराबर 1/x, और ये जो फलन है ये r 1 और 1/2 चेक करना है। ये 1/1 पहला 1/1 चेक कीजिए, तो मान लीजिए कि लेट x1 x2 r* का क्या है, एलिमेंट है। तो देखिए 1/1 के डेफिनेशन के अनुसार क्या होगा, fx1 बराबर fx2 होगा ना जी। 1/1 के डेफिनेशन के अनुसार क्या होगा, fx1 बराबर लिखा है ना, तो fx1 बराबर क्या होता है, fx2। अब देखिए जब fx1 का मान fx2 के बराबर हो तो 1/1 फंक्शन कहता है कि x1 का मान x2 के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये आपका LHS पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, RHS पार्ट हो गया। तो अब LHS पार्ट से क्या करोगे, RHS पार्ट को पुराओगे ना जी। तो LHS पार्ट क्या लोगे, fx1 बराबर fx2 लेंगे। ये कहाँ से आया, फलन की परिभाषा से। ये कहाँ से आया, फलन की परिभाषा से। तो बोलो fx1 की जगह हम क्या लिखेंगे, fx2 भी लिख सकते हैं। fx1 की जगह क्या लिखेंगे, 1/x1। देखो x है तब ना, x है जी। अगर यहाँ पर 1 देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं होगा। फलन ऐसे ना परिभाषित है, fx1 है तो यहाँ पर क्या होगा, 1/x1। यहाँ पर क्या होगा, 1/x2 होगा ना। कोना कोनी गुना कर दो, x1 को 1 से गुना करो, क्या हो गया, x2 को 1 से गुना करो, क्या हो गया, x2 हो गया ना। For all x1, x2 belongs to r*, चाहिए जितने भी एकदम इसके एलिमेंट रहेंगे सभी के लिए ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। f क्या है, 1/1 फंक्शन है। दूसरा क्या लोगे, 1/2। वन टू फंक्शन में देखिए इसमें क्या करेंगे, y बिलोंग टू करेंगे आप r*, y बिलोंग टू r* करेंगे ना। y बराबर क्या लेंगे, fx, डेफिनेशन से y बराबर क्या आएगा, fx, जैसे f बराबर भी लिखा है ना, तो y बराबर क्या होगा, देखो सिंपल कुछ भी नहीं सोचना। 1/1 के लिए fx1 बराबर fx2, 1/1 के लिए fx1 बराबर क्या लेना है, fx2। तो ये जो है fx1 लिया, तो इस फलन में मान बैठा करके देखना है कि x1 बराबर x2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ गया तो 1/1 फंक्शन, समझ गया ना, आ गया तो 1/2 में आएगा ना, ज्यादा एकदम झोल में नहीं पड़ना है। 1/2 के लिए एकदम याद रख लीजिए, रख लीजिए y बराबर fx, y बराबर fx, तो y बराबर हम क्या रख दिए, ऐसे सभी हिसाब में होगा, y बराबर fx। नहीं हो रहा है तो परिभाषा को याद न करेगा जी, इतना जो परिभाषा लिखा है, ये सब जो लिखा है क्यों लिखा है, परिभाषा याद करके नहीं आएगा वैसे क्लास में आ जाएगा तो हवा में उड़ जाएगा, जैसे मुंह देखते रहेगा, परिभाषा को याद करके आइए। तो y बराबर fx, fx का मान क्या है बोलो, 1/x है ना। yes, अब देखिए
x को यहाँ पर ले आएंगे और y को यहाँ पर ले आएंगे, तो x बराबर क्या होगा, 1 by y होगा ना। ये r स्टार का जो है सदस्य होगा कि नहीं होगा, होगा ना, रियल नंबर का होगा कि नहीं होगा। जी अगर मान के चलो कि यहाँ पर y का मान 2 ही रखेगा तो 1/2 क्या रियल नंबर ना है। रियल नंबर किसे कहते हैं, रियल रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की सेट को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं, रियल नहीं कहते हैं जी। तो मान के चलो कि y की जगह पर कोई भी मान रखो, f बराबर भी लिखा है जी, तो ये आपका b हो गया, ये क्या हो गया, ये नहीं हो गया, f ए बराबर देखो तो b नहीं हो गया। तो देखो y बराबर 1 2 के लिए y बराबर एफ एक्स लिख देना, इतना अगर ये चीज नहीं भी समझेगा ना तो 1 2 फंक्शन में y बराबर एफ एक्स चुपचाप लिख दे, लिख दिए ये y हुआ ही, ये बराबर हुआ ही, एफ एक्स का मान क्या है, 1/x है, एफ एक्स का मान क्या है, 1/x देखो है ना। अब देखिए x को हम यहाँ लेंगे, y को यहाँ नहीं ले आ सकते हैं, x यहाँ आ गया, y यहाँ आ गया। अब देखिए ये जो है आपको वास्तविक संख्या होगा कि नहीं होगा, y के स्थान पर कोई भी मान रखिए, वास्तविक संख्या होगा कि नहीं होगा, जीरो को छोड़ करके, क्योंकि हिसाब में कह रहे हैं नॉन जीरो, हिसाब में क्या कह रहा है, मतलब ये जो है y का मान जो है आप शून्य नहीं ले सकते, नॉन जीरो मतलब शून्य नहीं लेगा, तो शून्य को छोड़ा, अगर शून्य ले लिया तो क्या हो जाएगा, इनफिनिट हो जाएगा जी, नहीं हो जाएगा क्या, वो आपको रियल नंबर होगा नहीं होगा, शून्य को छोड़ा करके ना। तो अब देखिए यहाँ पर कोई भी मान लीजिए या रूट ओवर 2 ये लीजिए, 1/√2 क्या रियल नंबर नहीं होगा, यहाँ पर 2 ये लीजिए, 1/2 रियल नंबर नहीं होगा, होगा ना कि नहीं होगा, ये होगा ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो देखो रियल नंबर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, ये क्या कह रहा था, रियल नंबर था जी। तो ये आपको 1 2 फंक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा सर, विरोध किया नहीं किया, तो इसको क्या लिख देंगे, सो एफ इज 1 2 फंक्शन, ये तो हो गया। अब देखिए इसी में एक पार्ट और है कह रहा है कि रियल नंबर को नेचुरल नंबर से बदल दिया जाए, रियल नंबर को यानी यहाँ पर जो आपको ये रियल नंबर है ना, तो यहाँ पर आप क्या देंगे, नेचुरल नंबर देंगे, यहाँ पर आप क्या देंगे, नेचुरल नंबर यानी एन दे देंगे, दे दिए। तो देखिए फिर इसी में इसमें भी वही चीज चेक करना है, इसमें भी क्या करना है, 1 1 और 1 2 चेक करना है। तो यहाँ पर आर उसमें आर स्टार दिए थे ना, इसमें क्या देगा बोलो, एन स्टार पर दे दिया, एन देगा, एन दिया। तो हम मान लेंगे कि एक्स वन एक्स टू किसके सदस्य है, प्राकृतिक संख्या के सदस्य है। तो फिर वही प्रोसेस जो हम किए थे न किए थे, तो देखो एक्स वन बराबर एक्स टू हुआ कि नहीं हुआ, तो देखो ये 1 1 फंक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। परिभाषा है ना कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू हो तो एक्स वन बराबर आपको क्या पूरा जाना चाहिए, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू हो, समझ गया ना, परिभाषा से ले आएगा। तो अब आपको आ गया कि एक्स वन एक्स टू के बराबर है, तो ये कौन फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, समझ गया ना, अब बराबर नहीं होता, 1 1 फंक्शन नहीं होता। अब देखो 1 2 फंक्शन की हम बात करेंगे, बात करेंगे इसमें आप क्या लेंगे, आर स्टार की जगह एन ना लेंगे, एन ले लिए। अब देखिए तो यहाँ पर भी आप क्या देंगे, एन। तो देखो ये 1/y से ही तुमको लग रहा है कि परिमेय संख्या है जी सर, पी वटा क्यू के रूप की संख्या को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, 1 2 फंक्शन। अब यहाँ पर देखो ये 1/y है ना, ये आपको नेचुरल नंबर होगा, होगा नेचुरल नंबर, बोलो 1/y नेचुरल नंबर का सदस्य होगा, नहीं होगा सर। हाँ अगर आप जो है y का मान 1 ले लीजिए तो 1/1 नेचुरल नंबर हो जाता है, एक वो मान तो हो जाएगा, अगर y का मान हम 2 ले ले तो नहीं होगा क्योंकि नेचुरल नंबर कह रहा है, तो 2 क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो y का मान हम 2 नहीं ले सकते हैं जी सर, ले सकते हैं ना जी। तो y की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2 2
तो बोलो अगर आप y बराबर दो लेते हो, क्या लेते हो दो, तो y की जगह क्या रखोगे दो, तो 1/2 हो जाएगा। तो ये बोलो नहीं होगा, नहीं होगा नेचुरल नंबर होगा, इसलिए 1/y नेचुरल नंबर होगा सभी संख्याओं के लिए, नहीं होगा। तो f का आपको क्या होगा, सो f इज नॉट वन टू फंक्शन, नॉट वन टू फंक्शन, समझ चुका है ना, ये 1-2 फंक्शन नहीं होगा। देखो ये नॉन जीरो रियल नंबर के लिए हो गया था, नॉन जीरो रियल नंबर के लिए हो गया था, लेकिन नेचुरल नंबर के लिए हुआ। देखो हिसाब बदला है, नहीं बदला है, सिर्फ क्या बदले थे, सेट बदल गया था, पहले रियल था, अब क्या हो गया, इसको ध्यान रखना, इसका बहुत बड़ा मीनिंग होता है, समझ गया ना। ये बदलने पर देखो फलन बदल गया, ये बदलने पर क्या हो गया, क्या बदल गया, 1-2 हो गया था रियल नंबर में, ये 1-2 हुआ, नहीं हुआ। तो इनका बहुत एकदम मतलब होता है। इसका जो है एक नंबर का सवाल इस प्रकार से है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर मतलब फलन जो परिभाषित है एफ एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर है, और देख रहे हैं कि एफ सजेट एन टू एन, इसका जो है फलन का डोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर है, और को डोमेन भी क्या है, नेचुरल नंबर, समझ गया ना। yes, तो इसका डोमेन को डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर से किसमें है, नेचुरल नंबर में, यानी प्राकृतिक संख्या से, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, या शुरू कहाँ से होता है, 1, 2, 3 ऐसे चलते रहता है ना जी। उसके बाद देखो 1-1 के लिए, 1-1 के लिए डेफिनेशन क्या होता है, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एफ एक्स वन बराबर एक्स टू, तो एक्स वन बराबर क्या होगा, एक्स टू होगा, समझ गया ना। अगर एफ एक्स वन का मान और एफ एक्स टू का मान बराबर हो तो एक्स वन और एक्स टू का भी मान क्या होगा, बराबर होगा, या भिन्न भिन्न एलिमेंट का जो है बी में क्या हो, भिन्न भी और हम क्या कहते हैं, 1-1 फंक्शन कहते हैं। तो अब हमको 1-1 यहाँ पर लिख लेना है, जैसे इसमें 1-1 और 1-2 चेक करना है, क्या चेक करना है, 1-1 और 1-2, तो 1-1 लिख लिया, इनका डेफिनेशन क्या है, एक्स वन बराबर एक्स टू, एक्स वन एफ एक्स वन बराबर क्या होता है, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, हम लिख लिए, लिख लिए ना। अब देखो तो यहाँ पर एक्स है तब ना, एक्स है यहाँ पर, 1 देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो देखो एफ एक्स वन है तो एक्स वन का क्या होगा, होल स्क्वायर, एक्स टू यहाँ पर एक्स टू है तो एक्स टू का क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब देखो अगर ये स्क्वायर हटा, स्क्वायर हटा ना जी, वर्ग हटेगा तो ये इस संख्या, यह संख्या किसमें जाएगा, रूट में, अब प्लस माइनस भी होगा, प्लस माइनस क्यों नहीं देंगे, रूट नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर नेगेटिव होता है, होता है, और न तो क्या देना पड़ता, प्लस माइनस क्या देना पड़ता, नेचुरल नंबर का प्राकृतिक संख्या तो देखा है कि कोई प्राकृतिक संख्या नेगेटिव होता है, तो माइनस का सवाल उठता है नेचुरल नंबर के लिए, नहीं उठता है। तो चलिए इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस हम नहीं दिए। अब देखो तो कोई संख्या जो है स्क्वायर में रहे, रूट के अंदर में रहे, तो रूट से क्या होता है, बाहर नहीं निकल जाता है। तो देखो x2 रूट से बाहर निकल आया कि नहीं आया, तो x1 किसके बराबर हुआ, हुआ ना, x1 किसके बराबर, x2, दो बार नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, जी सर एक बार देखिए। चलिए तो x1 बराबर क्या हो गया, x2, परिभाषा में यही लिखा है, fx बराबर, fx1 बराबर क्या हो, fx2, यस सर, तो ये क्या आपको होगा, x1 बराबर x2, समझ गया ना। अगर एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है तो एक्स वन बराबर क्या होगा, एक्स टू होगा, तब उसे हम क्या कहेंगे, 1-1 फंक्शन कहेंगे। देखो जब हम एफ एक्स वन बराबर लिए एफ एक्स टू तो आपको क्या प्राप्त हो गया, एक्स वन बराबर एक्स टू प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, वो तो परिभाषा में ना सब मिलते है जी, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू इम्प्लाइज एक्स वन बराबर एक्स टू, तो ये पार्ट आपका क्या हो गया, एल एच एस, ये पार्ट आपका क्या हो गया, आर एच एस, एल एच एस से क्या करेंगे, आर एच एस को पुराएंगे ना, जी सर। तो देखिए एल एच एस पार्ट लिए तो आर एच एस पार्ट आपका पूरा कि नहीं पूरा, पूरा ना कि नहीं पूरा, पूरा गया। उसके बाद देखो तो ये तो आपका 1-1 फंक्शन हो गया, फिर हम किसको चेक करेंगे, 1-2 फंक्शन, अच्छा फलन भी कर रहा है, तो 1-2 में क्या लेते हैं, वाई बराबर एफ एक्स
इसका डेफिनेशन क्या है, वाई बराबर है ना जी, यानी इसमें जो है रेंज, रेंज किसके बराबर होगा, इसका डेफिनेशन जो बताए हैं रेंज कोडोमेन के बराबर हो, रेंज कोडोमेन में बराबर, उसे हम क्या कहते हैं अच्छादक वन टू फंक्शन, अच्छादक फलन, रेंज कोडोमेन के बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं वन टू फंक्शन, समझ गया ना, यानी बी का प्रत्येक इमेज, बी का प्रत्येक इमेज जो है एक एक किसी न किसी एलिमेंट का क्या हो इमेज, यानी बी का प्रत्येक अवयव एक एक किसी न किसी एलिमेंट का क्या हो, यानी बी का प्रत्येक अवयव इमेज होगा, बी का प्रत्येक अवयव क्या होगा इमेज होगा, तब उसे हम क्या कहते हैं वन टू, तो चलिए वन टू के लिए वाई बराबर हम क्या लेते हैं एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स, तो इसलिए देखिए वाई यहाँ पर होगा ही एफ एक्स का मान क्या है एक्स टू है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, चलिए एक्स स्क्वायर को पहले लिख सकते हैं, वाई को बाद में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, स्क्वायर हटेगा तो किस में जाएगा, वाई में रूट लग जाएगा, नहीं जाएगा तो रूट ओवर क्या होगा वाई हुआ ना, अब देखिए ये जो है कहड़ा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है जी, फलन जी सर, तो रूट वाला संख्या नेचुरल नंबर में होगा, रूट वाला संख्या नेचुरल नंबर में होगा, बोलो आप नहीं होगा, एक को छोड़ा करके अगर y का मान हम क्या ले ले, y चूंकि x भी प्राकृतिक संख्या है, y भी क्या है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है, तो बोलो अगर हम y का मान x से शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना, क्यों करेंगे x से शुरू, क्योंकि x से गिनती और प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या x शुरू होती है, जीरो क्यों लेंगे, जीरो नहीं है, तो इसलिए अगर हम वन लेते हैं तो वन का जो है वर्गमूल क्या होगा, वन होगा, होगा यस सर, जब हम दो लेंगे दो चार हो जाएगा, वर्गमूल मूल डॉल चाहिए स्क्वायर रूट, दो का निकलेगा ही नहीं, पॉइंट में से निकलेगा, समझ गया ना, तो रूट ओवर दो प्राकृतिक संख्या होगा, यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है कि एक के लीजिए, जब क्योंकि कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में, तो तुम एक से ना शुरू करेगा, और तुम वो पॉइंट खोजो जो इसका विरोध कर रहा है, सब इनके पक्ष में है, एको को विरोध कर दिया, तो चुनाव नहीं है कि एकदम दस टो वोट पड़ा, दस में से नौ पर गया तो तुम जीत गया, चुनाव नहीं है, ये क्या है हिसाब है, यानी सब इसके पक्ष में एकदम जयकार लगा रहा है, समझ गया ना, एक को विरोध कर दिया तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो तुमको वही चीज खोजना है, तुमको वही चीज खोजना है, यहाँ तो ढेरों विरोध कर रहा है, दो भी विरोध करेगा, तीन भी करेगा, चार का दो निकल आएगा, चार नहीं करेगा, पांच भी करेगा, छह भी करेगा, सात आठ सिर्फ नौ नहीं करेगा, हैं? फिर दस भी करेगा, तो ये कौन संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तो एफ एक्स वन बराबर क्या परिभाषा से एफ एक्स टू आएगा, ये आपका एल एच एस पार्ट हो गया ना, अब आर एच एस पार्ट पूरा आएगा ना, तो देखिए एफ एक्स वन इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, एफ एक्स टू के बराबर है, यहाँ पर वन लेंगे, ये फलन में वन लेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा वन होगा, तो एफ एक्स वन मतलब हो गया एक्स वन का होल स्क्वायर, समझ गया ना, एफ एक्स टू का मतलब क्या हो गया एफ एक्स टू का होल स्क्वायर, क्यों होगा ये लड़का बताएगा, एक्स टू का होल स्क्वायर क्यों होगा, देखो नहीं समझ रहा है, देखो यहाँ पर एक्स है तब ना एक्स है जी, और यहाँ पर दू रहेगा तो यहाँ पर क्या देंगे दो का स्क्वायर, दू के अनुसार ना इसको लिखेगा, अगर मान के चलो यहाँ पर हम तीन लेते तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं तीन के अनुसार, एक्स थ्री का होल स्क्वायर नहीं करते जी, जी चार लेते तो हम क्या करते एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करते ना जी, चलिए स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या होगा रूट होगा, प्लस माइनस ना होगा जी, लेकिन प्राकृतिक संख्या में लिए थे प्लस माइनस, माइनस लिए थे, प्राकृतिक संख्या नेगेटिव नहीं होता था, अब पूर्णांक संख्या क्या होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव भी ना होता है, तो प्लस माइनस क्या होगा बोलो, प्लस माइनस एक्स होगा ना, तो देखो एक्स वन जो है आपको एक्स टू के बराबर हो जाएगा, एक्स वन एक्स टू के बराबर हो जाएगा, लेकिन एक्स वन जो है माइनस एक्स टू के बराबर होगा नहीं सर, कभी नहीं होगा, हम्म, नहीं होगा,
देखो प्लस माइनस आया तो एक बार क्या लेंगे प्लस एक बार बैठो एक बार क्या लेंगे माइनस वाले संख्या जी सर तो देखिए एक्स वन तो एक्स टू के बराबर हो जाएगा जी सर लेकिन एक्स वन जो है कोई भी धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या के बराबर होगा नहीं होगा तो देखिए विरोध कर दिया कि नहीं कर दिया विरोध का सुर आ गया है विरोध का सुर इसलिए ये क्या है नॉट वन फंक्शन नहीं है तो यहाँ पर लिखेगा सो एफ इज नॉट वन नॉट वन वन फंक्शन एफ जो है वन वन फंक्शन नहीं है उसके बाद हम आते हैं वन टू फंक्शन में इसमें आएगा वन टू फंक्शन तो देखिए y बराबर इसमें क्या लेंगे एफ एक्स वन टू y बराबर क्या लेंगे एफ एक्स वाई का मान रहेगा ही एफ एक्स का मान क्या होगा है ना जी सर एफ एक्स का मान क्या है एक्स स्क्वायर तो बोलिए आप एक्स स्क्वायर को इधर और y को हम इधर लिख सकते हैं स्क्वायर हटेगा रूट होगा स्क्वायर हटेगा तो अब देखो यहाँ पर हम क्या देंगे प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया ना और रूट ओवर वाई हुआ कि नहीं हुआ हुआ ना क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स और वाई कौन संख्या है पूर्णांक संख्या है एक्स और वाई क्या है पूर्णांक संख्या है तो आप बोलिए अगर वाई की जगह हम एक को छोड़ करके हम क्या ले लेते हैं दो ले लेते हैं जी सर क्या ले लेते हैं दो तो ये जो रूट ओवर दो होगा ये पूर्णांक संख्या होगा होगा सर नहीं होगा सर वहीं से बोल दिए रूट ओवर दो पूर्णांक संख्या होगा वो तो वास्तविक संख्या होता है जी या मान के चलो कि माइनस दो ही ले ले क्या ले ले माइनस दो ही ले ले फिर भी पूर्णांक संख्या होगा तो रूट में नहीं जी यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को नहीं उनके समूह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं फिर भी हम कहते हैं कि रूट ओवर दो रूट ओवर तीन पूर्णांक संख्या है तो वास्तविक संख्या ना हुआ तो इसलिए देखो क्योंकि किसी भी संख्या का यहाँ पर कंडीशन है कि आप कोई चीज रखिए नहीं है तो आप सभी संख्या लेके ट्राई करेगा देखेगा कि एको को संख्या विरोधो कर रहा है यहाँ तो एकदम ढेर सारे संख्या विरोध करेगा नहीं करेगा तो इसलिए y के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं एक रखेंगे तो एक का वर्गमूल एक हो गया आपको पूर्णांक संख्या क्या प्लस एक रहे कि माइनस एक रहे पूर्णांक संख्या हो गया ना हम दो रखेंगे क्या रखेंगे तो बोलो विरोध कर ये आपको होगा पूर्णांक संख्या यहाँ पर लिख देना है डज नॉट बिलोंग्स टू z अब देखो f इज नॉट वन टू फंक्शन f जो है वन टू फंक्शन नहीं है। अब हम दो की तीन नंबर की बात कर लेते हैं तो इसमें देख सकते हैं कि फलन जो है रियल नंबर से रियल नंबर में है यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो है डोमेन और कोडोमेन भी रियल नंबर में है यानी दो ऐसे डायग्राम बनाए इसमें एक फलन एफ है ये हो गया ये बी हो गया तो देखिए एफ एक्स परिभाषित है आपको एक्स स्क्वायर के रूप में तो माइनस वन और यहाँ पर प्लस वन ले लिए तो माइनस वन का भी प्रतिबिंब वन ही बनेगा क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर वन ही हुआ प्लस वन का भी प्रतिबिंब वन ही बनेगा तो इस प्रकार से दो एलिमेंट का एक इमेज होता है इसलिए वन वन फंक्शन नहीं होगा जिसको हम इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं उसके बाद देखिए क्योंकि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर तो इसलिए कोडोमेन के वे सभी ही अभी अब इमेज होंगे जो पॉजिटिव होंगे जैसे माइनस दो ले लिए तो माइनस दो किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा तो कोडोमेन में एलिमेंट जो होगा वो सभी ऋणात्मक संख्या बचेंगे ही इसलिए आपको ये फंक्शन जो है वन टू फंक्शन भी नहीं होगा यहाँ पर देख सकते हैं नाउ टू माइनस टू बिलोंग्स टू आर चूँकि माइनस टू जो है वो रियल नंबर है लेकिन बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर सच डेट एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू यानी एक्स का कोई भी मान के लिए उसका मान जो है माइनस टू नहीं आएगा क्योंकि फलन एक्स स्क्वायर के रूप में डिवाइड यहाँ पर डिफाइंड है क्योंकि
यहाँ पर x के स्थान पर कोई भी निगेटिव संख्या रखेंगे तो पॉजिटिव निकल के ही आएगा, या पॉजिटिव रखेंगे तब भी पॉजिटिव ही आएगा। तो इस प्रकार से ये फंक्शन न तो 1 1 हुआ न ही 1 2 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात कर लेते हैं। 2 की 4 जो है फलन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और फलन इस प्रकार से परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यू। तो देखिए पहला 1 1 फंक्शन चेक करना है, तो 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, 1 1 का जो डेफिनेशन है वह है एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2। इस डेफिनेशन को याद रखिए। तो यहाँ पर x1 और x2 के रूप में, x1 के रूप में x और x2 के रूप में y लिया गया है। तो चूंकि फलन है एफ एक्स बराबर एक्स क्यू, तो इसलिए एफ एक्स है तो एक्स क्यू होगा ही, एफ वाई है तो वाई क्यू होगा ही। तो ये पावर 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या x बराबर वाई। चूँकि देखिए स्क्वायर में हम पावर को हटाते हैं तो प्लस माइनस करके निकलता है, और अगर पावर जो है विषम रहे तो डायरेक्ट काट दीजिए। इसलिए क्योंकि अगर संख्या नेगेटिव है तो उसके आगे में नेगेटिव रहेगा ही, संख्या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस प्रकार से ये आपको जो है इंजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। वैसे इसमें नेगेटिव का सवाल उठता ही नहीं, स्क्वायर भी रहता तो ये 1 1 फंक्शन होता ही, क्योंकि नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता है। उसके बाद देखिए चूँकि सेट जो है इसका यानी डोमेन को डोमेन दोनों क्या है नेचुरल नंबर है, और एफ एक्स बराबर एक्स क्यू के रूप में परिभाषित है, ये भी नेचुरल है ये भी नेचुरल है। तो 1 2 तो इस यहाँ पर 1 लेंगे 2 लेंगे, तो 1 का क्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 का क्यू क्या होगा 8 होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपको जो ये 2 एलिमेंट है वो किसी का इमेज नहीं होगा, 3 भी किसी का इमेज नहीं होगा, 4 भी किसी का इमेज नहीं होगा। तो ये सब एलिमेंट जो है कोडोमेन में बचेंगे ही, तो फलन की डेफिनेशन से अगर कोडोमेन में एलिमेंट बचता है तो वह 1 2 फंक्शन नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार से फंक्शन न तो इंजेक्टिव है न ही सर्जेक्टिव, ये फंक्शन इंजेक्टिव तो है और सर्जेक्टिव नहीं है। इंजेक्टिव मतलब 1 1, सर्जेक्टिव मतलब होता है 1 2। तो इंजेक्टिव फंक्शन है लेकिन सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। अब हम 5 की बात कर लेते हैं। तो 5 में आप देख सकते हैं कि एफ फंक्शन जेड टू जेड इज गिवन बाय, यहाँ पर देख सकते हैं एफ एक्स बराबर एक्स क्यू हो गया, इस प्रकार से फलन परिभाषित है। तो चूंकि पावर 3 है कट जाएगा जैसा कि ऊपर हमने समझाया, तो एक्स बराबर क्या होगा वाई। ये कहाँ से आता है, फलन की डेफिनेशन से आता है। तो देखिए फलन है एफ एक्स बराबर एक्स क्यू, तो इसलिए एफ एक्स बराबर एक्स क्यू, एफ वाई बराबर वाई क्यू। 3 पावर 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या एक्स बराबर वाई। तो एफ आपको इंजेक्टिव यानी 1 1 फंक्शन है। फिर उसी प्रकार से 2 जो है 2 आपको पूर्णांक संख्या है, लेकिन 2 किसी भी नंबर का जो है इमेज नहीं होगा, इसलिए ये जो है आपको 1 2 भी फंक्शन नहीं है। तो इस प्रकार से एफ जो है 1 1 फंक्शन हुआ लेकिन 1 2 फंक्शन नहीं हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो और क्लास 12 की संपूर्ण क्लास चाहते हैं, संपूर्ण बैच चाहते हैं, तो हमारे द्वारा बनाए गए सभी पार्ट को देख ले, आपको क्लास 12 मैथ की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। आपको कहीं पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पार्ट 1 से देखें और आपको सभी वीडियो का लिस्ट प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए एक्सरसाइज आपको हो गया 1.2 और क्लास क्या हो गया 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है इस प्रकार से कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ फंक्शन आर टू आर नो तो एक ही है और नो आच्छादक है, जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एक्स से कम उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। समझ गया? यस सर। तो यहां पर आपको फंक्शन का जो मान दिया है वो किस प्रकार से है, एक्स ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और फलन का जो है कोडोमेन
और डोमेन क्या है बोलो आर सर आर टू आर डोमेन इसका क्या है रियल नंबर जी सर कोडोमेन भी इसका क्या है रियल नंबर रियल नंबर है ना जी सर तो अब देखो इसमें क्या चेक करना है वन वन और वन टू क्या चेक करना है वन वन मतलब एक है जी तो देखो पाला लिख दो इसे वन 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 लिख दिए यस सर अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में होता है क्या कि पॉइंट के बाद जो भी संख्या होती है उड़ जाता है पॉइंट के बाद क्या होता है उड़ जाता है तो पहले तो देखो आप इनके परिभाषा से क्या जानते हो वन वन की परिभाषा से आप मान लोगे कि माना कि एक्स वन और एक्स टू बिलोंग टू मतलब रियल नंबर है एक्स वन एक्स टू क्या है रियल नंबर है ना यस सर फिर इसके डेफिनेशन से क्या होता है एफ एक्स बटे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू होता है ना यस सर एफ एक्स वन बराबर क्या हो जाता है एफ एक्स टू एफ एक्स टू अब बोलो तो यहाँ पर आप करोगे क्या एक्स वन का कुछ हम मान ले लेते हैं एक्स वन बराबर हम क्या मान लेते हैं वन पॉइंट टू क्या मान लिए वन पॉइंट टू सर पॉइंट में क्यों माने देखो होता है क्या कि जो है चुनाव नहीं है ये क्या है हिसाब है जिससे चुनाव में तुमको 100 मान के चलो तुम पड़ा कुल मतदाता संख्या क्या है 100 में 100 वोट पड़ गया समझ गया ना 100 में तुमको 99 को वोट मिला एगो वोट जो है ना विरोधी पार्टी को मिला तो कौन जीतेगा 99 वाला 99 वाला जीतेगा ना जी सर ये जो हिसाब है इसमें जो है तुम्हारे पक्ष में जो है 99 को एकदम तर्क सही हो जाएगा एगो तर्क विरोध कर दिया तो हिसाब ही नहीं सही होगा समझ गया ना ये हिसाब है ये वोटिंग नहीं है इसमें को तर्क विरोध कर देगा ना एक भी तर्क विरोध कर दिया तो ये आपका जो है हिसाब गलत हो जाएगा वो फलन होगा नहीं जिस पर हम बात करेंगे वो नहीं होगा जी सर तो इसलिए 1.2 अच्छा हाँ अब ये बात रही कि ये 1.2 ही क्यों लिए तो 1.2 इसलिए क्यों लिए क्या 1.2 रियल नंबर नहीं है सर है ना जी सर इसलिए जब रियल नंबर में से रियल नंबर कौन है तो हम क्यों लेंगे 1.2 लेंगे ना जी सर 1.2 तो कोई इधर मत खींचो बेंच को उधर ही रहने दो गिर जा रहे अब चलिए तो 1.2 क्यों लिए क्योंकि रियल नंबर तो यहाँ पर देखो 1.2 ले लिए यहाँ पर एक्स है कम ना एक्स है जी यस सर यहाँ पर 1.2 रहेगा तो यहाँ पर भी क्या होगा 1.2 अब हम क्या बताएं ग्रेटेस्ट इंटीजर में दशमलव के बाद का जो है मान क्या होता है उड़ जाता है महत्तम में कर है जी सर महत्तम कर है ये दशमलव वाला मान को क्या करेगा उड़ा देंगे उड़ा देगा एक बचा ना यस सर उसके बाद देखो हम लेते हैं कि एक्स टू बराबर 1. हम 9 ले लेते हैं 9 ले लेते ले लिए ना कोई बात नहीं तो हम क्या लेंगे एक्स 9 की जगह 1.9 देखो एक्स टू है ना यस सर इसका मान क्या लिए 1.9 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या रखेगा 1.9 बराबर में क्या निकलेगा एक निकलेगा ना यस सर एफ 1.2 का भी मान 1 है एफ 1.9 का भी मान 1 है एक है यस सर अब देखो हम फिगर हम बना लेते हैं जैसे 1.2 करते हैं 1.2 हम क्या करते हैं 9 करते हैं ऐसे बना लिए एक ले लिए तो बोलो दो एलिमेंट का कितना इमेज बना एक इमेज बना एक इमेज बना ना जी सर इसे हम 1:1 फंक्शन कहेंगे जी सर जी सर 1:1 फंक्शन कैसे कहेंगे बोलो एगो एलिमेंट का एगो इमेज बनता तब होता है कम ना होता है 1:1 दो एलिमेंट का एगो इमेज बन गया यस सर इसलिए 1:1 फलन हुआ नो सर 1:1 फंक्शन हुआ नहीं हुआ अब वैसे भी देखो ये 1 एफ 1.2 बराबर क्या होगा एफ 1.9 होगा कि नहीं होगा यस सर क्योंकि दोनों का मान एक है आप देखो ये आपका क्या हो गया एक्स 1 ये आपका क्या हो गया एक्स 2 यस सर तो देखो जब करता है परिभाषा की एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 हो तो एक्स 1 किसके बराबर होगा एक्स 2 के बराबर एक्स 2 के बराबर होगा ना आप देखो तो एक्स 1 मतलब क्या हो गया 1.2 यस सर एक्स 2 मतलब क्या हो गया 1.9 तो 1.2 1.9 के बराबर होगा नहीं होगा इस अनुसार भी देखो ये 1:1 फंक्शन होगा नहीं होगा नहीं तो ये फिगर बना दो इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ही नहीं तो सो एफ इज नॉट एफ इज नॉट 1:1 फंक्शन
अब देखो दूसरा क्या आता है वन टू फंक्शन, दूसरा क्या आता है वन टू फंक्शन। तो देखो वन टू फंक्शन आराम से समझ जाओगे, वन टू फंक्शन ये चेक करना है। तो इसमें देखो जैसे ग्रेटेस्ट, इसमें वही एलिमेंट ना इमेज होगा जिसके बाद पॉइंट वाला संख्या नहीं आता, डिजिट नहीं आएगा जी सर। जैसे देखो रियल नंबर से रियल नंबर मैंने कह रहा है जी सर, तो रियल नंबर से हम रियल नंबर लेते हैं, ले लिए जी सर। अच्छा इसमें हम 1.1 लेते हैं, 1. क्या लेते हैं 2 लेते हैं, 1. क्या लेते हैं 3 लेते हैं। अब इसमें देखो क्योंकि ये भी रियल नंबर है और इसका ये भी क्या है रियल नंबर है यस सर, तो क्या इसमें 1.1 नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं, बढ़िया 1 ले सकते हैं ना, क्या 2.1 नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो चलो 1.1 का क्या इमेज बनेगा, 1.1 नहीं बनेगा, 1.1 का इमेज क्या बनेगा, 1 बनेगा। देखो तो 1.2 का क्या बनाता, 1. उसी प्रकार से यहाँ पर 1.1 रखेगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1.1 जी सर, इमेज क्या निकल के आएगा 1 आएगा, यानी दशमलव वाला संख्या और न जाएगा जी सर, उड़ जाएगा जी सर। तो 1.1 का इमेज क्या बनेगा, 1 बनेगा। 1.2 का क्या बनेगा, 1 बनेगा। 3 का भी 1 बनेगा, क्या बनेगा 1 बनेगा, बनेगा ना जी सर। तो चूंकि ये 1.1 रियल नंबर है कि नहीं, है ना जी सर। तो आप बोलो ये किसी का भी इमेज होगा, नो सर, ये किसी का इमेज होगा नहीं सर। तो 1.2 के लिए क्या है कि अगर कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट बच गया तो उसे हम 1.2 फंक्शन कहते हैं, नहीं सर। क्या लिखा है कि यदि सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, इमेज हो, सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, इमेज, बी का इमेज हो, इमेज हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, 1.2 फंक्शन कहते हैं। यानी कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, एक किसी न किसी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। तो ये कोडोमेन हुआ ना, तो प्रत्येक एलिमेंट इमेज हुआ, नहीं हुआ तो 1.2 फंक्शन होगा, नहीं होगा। समझ चुका है ना जी सर। तो क्या लिखेगा, ये 1.1 आपको क्या है, आर का क्या है सदस्य है, 1.1 किसका सदस्य है, एक्स बिलोंग्स टू क्या करोगे, ये भी ना आपको एकदम आर का सदस्य है जी सर। किसी भी एक्स के लिए, समझ गया ना जी सर। देखो एफ एक्स बराबर आपको मान 1.1 आएगा, नहीं आएगा, 1 आएगा। मतलब एक्स के स्थान पर कोई भी संख्या ऐसा लेगा तो क्या 1.1 मान आएगा, नहीं आएगा। अब तुम कहेगा कि यहाँ पर 1.1 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 1.1, तो क्या मान आएगा, 1 आएगा। 2. हम एक ले लेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा जी सर। 3. हम 1 ले लेंगे है ना, दशमलव वाला जो की बात जो है उस संख्या छोड़ देंगे जी सर, छोड़ देंगे दशमलव क्या, कोई भी एक्स के लिए, कोई भी एक्स के लिए उसका जो है मान 1.1 आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। किसी के लिए भी नहीं सर, नहीं होगा, तो ऐसे कर दो जी सर, कर देते डज नॉट। किसी भी एक्स के लिए जो है एफ एक्स बराबर 1.1 मान नहीं आएगा, एफ इज नॉट नॉट 1 फंक्शन, 1.2 फंक्शन। वैसे ये फिगर बना दो, इसके बाद लिख दो एफ इज नॉट 1.2 फंक्शन। क्वेश्चन नंबर इनका 4 जो है इस प्रकार से कह रहा है कि एफ फंक्शन आर टू आर, इसमें भी क्या है देखो, पूरी हिसाब जो है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर यहाँ पर है कि मोड एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ फंक्शन आर टू आर न तो एक एक ही है न ही आच्छादक है, जहाँ पर मोड एक्स बराबर एक्स यदि धन या शून्य है तथा मोड एक्स बराबर माइनस एक्स यदि ग्रीन है, समझ गया ना, यानी मोड एक्स बराबर एक्स होगा जब एक्स क्या होगा, या तो शून्य होगा या तो धनात्मक संख्या होगा। अब मोड एक्स बराबर माइनस एक्स होगा जब वो एक्स क्या होगा, या तो ऋणात्मक संख्या होगा, तब मोड एक्स बराबर माइनस एक्स होगा जी। तो इसका जो फंक्शन है इस प्रकार से डिफाइंड है, एफ एक्स बराबर क्या हो गया मोड एक्स, एफ एक्स बराबर क्या हो गया मोड एक्स, और ये जो फलन है आपको रियल नंबर से रियल नंबर में, रियल नंबर से रियल नंबर में, रियल नंबर में यस सर। अब देखिए
दो तीन तरीके से सवाल को तुम दो तीन तरीके से बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? तो चलिए सॉल्यूशन ऐसे लिख दीजिए, या सिद्ध करना है तो प्रूफ भी लिख सकता है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो पहला क्या करेंगे? पहला जो है सर वन वन फंक्शन। पहला वन 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 फंक्शन जी सर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लेफ्ट तो माइनस वन और प्लस वन, ये किसका सदस्य है? आर का। आर का सदस्य है जी सर। माइनस वन और प्लस वन किसका सदस्य है? आर का। एफ माइनस वन बराबर क्या होगा? देखो एफ एक्स बराबर क्या है, मोड एक्स है ना जी सर, मोड एक्स। यहाँ पर माइनस वन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस वन होगा। तो कोई भी संख्या नेगेटिव में हो वो मोड के अंदर में हो तो बाहर निकलता है पॉजिटिव हो जाता है। क्यों पॉजिटिव हो जाता है? क्योंकि मापांक है, मापांक क्या कहते हैं इसको, मापांक। माप जो होगा कभी ऋणात्मक होगा नहीं सर, इसलिए एक किलो नब्बे है। एक हो गया ना, अब एक और एलिमेंट क्या लिए है? एक न लिए है। देखो तो मोड वन इसका भी मान कितना होगा? वन होगा। किसको इसमें सस्पेंस है? किसी को नहीं, किसी को नहीं सस्पेंस भी है ना सर। कहाँ अपने मन से माना है। हाँ, हमको आपको क्या बोले कि आपको ऐसा मान खोजना है जो इसका विरोध करे, क्योंकि रियल नंबर है तो क्या माइनस वन नहीं ले सकते हैं? हाँ सर। प्लस वन नहीं ले सकते हैं? तो एग्जाम्पल के लिए तो ढेर सारे आपके पास डिजिट है ना जी, है ना? तो आप क्या करोगे कि वैसा ना डिजिट चूज करोगे जो इसका विरोध कर दे? जी सर। हम यहाँ पर जो है कि वन ही ले लिए, उसके बाद हम प्लस टू ही, ऐसा मान न लोगे कि एकदम आपको जो है कि चीन इसका विपरीत हो, संख्या सेम हो, तभी ना एकदम दो एलिमेंट का एक इमेज बनेगा। यस सर। तो ऐसे हम दो डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लेगा, माइनस वन और प्लस वन, यहाँ पर वन ले लेते हैं। देखो माइनस वन का भी इमेज क्या बना था? वन बना है। वन का भी इमेज क्या बना? बना है। बना है कि नहीं बना है? जी सर। क्या आपको एफ वन वन फंक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतना लिख दो, लिख दो, लिख दो कि एफ इज नॉट वन वन फंक्शन, एफ इज नॉट वन वन, एफ जो वन वन फंक्शन नहीं है। दिक्कत भी है नहीं सर। अब चूंकि देखो वन और वन ये आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए आपको क्या होगा, माइनस वन एफ माइनस वन बराबर क्या होगा? एफ वन होगा ना जी सर। लेकिन आपको जो है माइनस वन वन के बराबर होगा नहीं? होगा, कहीं ना होगा, क्योंकि परिभाषा कहता है कि एफ एक्स वन बराबर क्या हो, एफ एक्स वन हो, एक्स वन बराबर क्या होना चाहिए? एक्स वन होना चाहिए, एक्स टू होना चाहिए, एक्स टू होना चाहिए। ये एक्स वन हो गया, ये क्या हो गया? एक्स टू हो गया। तो क्या एक्स वन एक्स टू के बराबर है? नहीं है। एक्स वन मान ले माइनस वन को, एक्स टू मान ले प्लस एक को, तो क्या एक्स वन बराबर एक्स टू माइनस वन प्लस वन के बराबर होगा? माइनस वन रहता तब होता है, समझ गया ना? यस। इस प्रकार से भी तुम कर सकता है, नहीं तो ये फिगर बना दिए, ये काफी है, ये सब लिखो नहीं भी लिखो। अब दूसरा क्या चेक करोगे? वन टू फंक्शन। तो वन टू फंक्शन वन टू वन टू समझ गया ना? अब वन टू ना दूसरा चेक करोगे? तो वन टू ध्यान से उसके बाद देखो। अच्छा इमेज जो बनेगा, ये जो इमेज बनेगा तो वो जो है हमेशा धनात्मक में होगा कि ऋणात्मक में? धनात्मक होगा जी सर, क्योंकि जो इमेज आएगा वो जो मोड से बाहर आके आता है धनात्मक में आता है, धनात्मक में आता है जी सर। और क्योंकि दोनों क्या है, रियल नंबर है ना, रियल नंबर, ये भी क्या है, रियल नंबर, ये भी आपका क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर है ना, तो क्या ऋणात्मक संख्या उसमें नहीं रहेगा? रहेगा। ऋणात्मक संख्या किसी एलिमेंट का इमेज होगा? नहीं होगा। ऋणात्मक संख्या किसी एलिमेंट का इमेज होगा? नहीं होगा। आप देखो कोडोमेन में एलिमेंट बच गया कि नहीं बच गया? बच गया सर। एफ वन टू फंक्शन होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर वन टू में ऐसे आप दो डायग्राम बना लीजिए, समझ गया ना? जैसे यहाँ पर माइनस वन ले लिए, वन ले लिए, टू ले लिए, यहाँ पर हम भी माइनस वन लेते हैं
उसके बाद हम जो है वन लेते हैं टू लेते हैं। देखिए माइनस वन का इमेज क्या होगा वन, प्लस वन का इमेज क्या होगा प्लस टू का इमेज क्या होगा टू होगा होगा ना जी सिलेक्ट एलिमेंट। अब देखिए तो देखिए माइनस वन जो है ये किसका सदस्य है वन आर का, आर का आपका है ना डोमेन का है ना एलिमेंट। क्या माइनस वन किसी भी ये जो डोमेन आर के किसी भी एलिमेंट का इमेज होगा नहीं होगा। इसको हम क्या बोलते हैं डोमेन आर बोलते हैं जी सर। माइनस वन डोमेन के किसी भी एलिमेंट का इमेज होगा नो सर। तो कोडोमेन में को एलिमेंट बच गया तो वन टू फंक्शन होगा नहीं। परिभाषा के विपरीत नहीं हो जाएगा यस। परिभाषा तो यही करते हैं। अब माइनस वन क्यों ले लिए रियल नंबर माइनस वन रियल नंबर है कुछ ले सकता है ना तो मोर ले सकता है माइनस तीन भी ले सकता है। मतलब सिंपल एग्जांपल लो जो विरोध कर दे ये जो है माइनस वन जो है आपको क्या है रियल नंबर है कोडोमेन का एलिमेंट है। मान लेते हैं कि एक्स जो है आपको किसका एलिमेंट है डोमेन का। एक्स किसका एलिमेंट है डोमेन। इसका डोमेन भी क्या है आर एन है जी। डोमेन भी इसका क्या है आर है ना। तो इसके किसी भी एलिमेंट से माइनस वन इमेज प्राप्त होगा नहीं। इसके किसी भी एलिमेंट से माइनस वन इमेज प्राप्त होगा। तो आप लिख दीजिए कि एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस वन। एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू माइनस एफ एक्स से कभी भी माइनस वन की प्राप्ति होगा नहीं। जब कभी होगा तो किसकी प्राप्ति होगा धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या की प्राप्ति होगा। एक्स क्यों ले लिए कोई ऋणात्मक या धनात्मक संख्या लेगा तो प्लस होकर निकलेगा। एक्स मतलब ले लिए किसके स्थान पर हम कोई भी ना सभी संख्या को हम ट्राई कर सकते हैं इसलिए एक्स ले लिए। एफ इज नॉट वन अति वन टू फंक्शन देखो क्वेश्चन नंबर पांच जो है इसमें कह रहा है कि सिर्फ कीजिए कि एफ फंक्शन आर टू आर समझ गया ना। एफ एक्स बराबर देखो वन होता है यदि एक्स का मान क्या होता है जीरो से बड़ा होता है और जीरो होता है यदि एक्स का मान जीरो के बराबर होता है माइनस वन होता है समझ गया ना। जब जीरो से क्या होता है छोटा होता है इस प्रकार से परिभाषित है। छोटा तो बड़ा दिया कहाँ तीन फलन नो तो एक एक ही है नो ही अच्छा दक है नो तो एक एक ही है नो ही अच्छा दक है। तो देखो फलन जो है पांच नंबर में ये आर से आर में मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में तो इसका डोमेन भी रियल नंबर होगा कोडोमेन भी क्या होगा रियल नंबर होगा। तो एफ एक्स बराबर इस प्रकार से फलन डिफाइंड है कह रहा है कि वन होता है मान क्या होता है वन होता है वन यदि एक्स का जो मान है जीरो वो जीरो से क्या हो बड़ा हो जीरो से क्या हो बड़ा हो उसके बाद जीरो होता है यदि एक्स का मान क्या हो माइनस जीरो हो समझ गया ना। उसके बाद माइनस एक से माइनस एक होता है क्या हो जाता है एक हो जाता यदि एक्स का मान क्या हो जाए जीरो से छोटा हो तो इसमें कीजिए सर कि यह जो फलन है सर इसमें दिया कहाँ है ग्रेटर देन लेस देन नो ही एक एक ही है सर बुक में कहाँ दिया हुआ है ग्रेटर देन लेस देन दिया नहीं होगा नहीं कैसे नहीं है। तो सॉल्यूशन में पहला आप कैसे करेंगे वन 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 चेक करेंगे ना जी जी। तो कह रहा है एक्स का मान क्या हो एक्स का मान जीरो से बड़ा जी सर। एक्स का मान क्या हो बड़ा एक्स जीरो का जीरो से एक्स का मान अगर जीरो से बड़ा होगा तो एक्स का मान क्या होगा वन होगा टू थ्री फोर कुछ भी हो सकता है। तो बोलो अगर हम वन लेते हैं क्या लेते हैं वन लेते हैं तो देखो अगर आप वन लेगा जीरो से बड़ा कर रहा है जी सर क्या आपको इमेज प्राप्त होगा होगा जी सर। अगर आप दो लोगे क्या लोगे दो लेंगे तो क्या इमेज प्राप्त होगा दो मारेंगे जी एक्स प्राप्त होगा में प्राप्त होगा जी सर। पर एक्स का मान जीरो से बड़ा हो एक्स का मान जीरो से बड़ा हो क्योंकि रियल नंबर है तो जीरो से बड़ा लेंगे तो एक दो रूट में जो लेना चाहे वो ले सकते हो ना। तो वह क्या होगा उसका मान एक होगा क्या होगा एक होगा एक को छोड़ा करके दूसरा भी मान होगा एक्स थोड़े है
कि जो मान लेगा वही हो जाएगा। नो सर, स्पेशल मान ने दे दिया है जी सर, ये केवल मान दिया हुआ है। आप फ्री भी लेंगे तो उसका इमेज एक ही होगा, नहीं होगा यस सर। अगर मान के चलो एक्स रहता तब तो कोनो बात ही नहीं, सिमिलर चलते ऐसा नहीं न, क्योंकि ये मान दे चुका है तो एक के बदले हम दो नहीं रख सकते हैं। तो तीन मिलेगा तो क्या होगा, क्या होगा बोलो, इतने सारे एलिमेंट का एक ही इमेज, क्या वन वन फंक्शन होगा? ये कभी वन वन होगा? तो लिखेगा ना एफ वन जो है, देखो इसका भी मान एक, इसका भी मान एक, एफ वन किसके बराबर होगा? एफ टू के बराबर। क्या वन टू के बराबर होगा? ना देखो एफ इज नॉट वन वन, दूसरा देखो इसमें क्या है, वन टू है जी, जी सर। दूसरा क्या चेक करोगे? वन टू। तो वन टू फंक्शन के लिए देखो, क्योंकि रियल नंबर से रियल नंबर में किसमें है जी, रियल नंबर से रियल नंबर में है, इसका जो है आपको डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है, रियल नंबर है ना। अब देखो तो इसमें जो है कि हम वन ले लिए, टू ले लिए, थ्री ले लिए, ले चुके हैं, फोर भी ले चुके हैं, ले चुके हैं। तो इसके बाद आप बताइए, क्योंकि ये भी रियल नंबर है, ये भी क्या है आपका रियल नंबर है, क्या माइनस वन ले सकते हैं? जी सर ले सकते हैं। उसके बाद जो है रियल नंबर में सभी आ सकता है। अब ऐसा मान लो माइनस टू ले सकते हैं ना, जी सर ले सकते हैं, माइनस ए ले सकते हैं ना, जीरो। उसके बाद जो है जीरो ले सकते हैं ना, वन ले सकते हैं, जी सर ये सब ले सकते हैं ना जी। देखो वन लेंगे तो क्या इमेज बनेगा? वन बनेगा। वन बन गया। टू लेंगे तो क्या इमेज बनेगा? वन बनेगा। थ्री लेंगे तो वन, सबका वन बन गया ना वन, जी सर। ये सब जो है आपको, चूंकि आप एक्स का मान जो है जीरो से छोटा लो, माइनस वन ले लिया तो क्या इमेज बनेगा? जी सर माइनस वन एन बनेगा, जी सर। इसका मतलब हम क्या करेंगे तो हाँ। अगर जीरो ले लेंगे तो जीरो बनेगा, जीरो ले लेंगे तो वो क्या बनेगा? जीरो बनेगा सर। लेकिन उसके बाद जो है आपको माइनस वन जीरो वन को छोड़ करके क्या यही तो रियल नंबर होता है? नहीं होता है। माइनस दो रहेगा, माइनस तीन रहेगा, माइनस पांच रहेगा, ये दो चार पांच छह ये सब जो है ये किसी भी एलिमेंट का इमेज होगा? नहीं होगा। किसी भी एलिमेंट का इमेज होगा? नहीं होगा। जैसे माइनस दो कोडोमेन में होगा कि नहीं होगा? जी सर होगा। माइनस दो कोडोमेन में होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि रियल नंबर है। रियल नंबर है यस सर। अब माइनस दो किसी भी एलिमेंट का इमेज बनेगा? नहीं बनेगा। माइनस में इमेज नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल रूप से नहीं दे दिया एक जीरो माइनस एक, जी सर। यही तीन को संख्या नहीं इमेज बनेगा, जी सर। यही तीन को संख्या नहीं इमेज बनेगा, जी सर। लेकिन माइनस दूर रहेगा, दूर रहेगा इमेज बनेगा नो सर, इसलिए ये वन टू फंक्शन हुआ नहीं हुआ। लिख दो जैसे माइनस दू जो है ये किसका है? आर का सदस्य है। तो किसी भी एक्स के लिए एफ एक्स का मान माइनस दू होगा? नहीं होगा। एफ इज नॉट नॉट वन टू फंक्शन, वन टू फंक्शन। क्वेश्चन नंबर तो छो में सवाल है, कॉड आई मान लीजिए कि ए बराबर एक दो तीन, दो सेट है आपको, तो सेट ए में एक दो तीन एलिमेंट है और बी में क्या है? चार पांच छह सात है। बी में क्या है? चार पांच छह सात है, छह सात। और आपको फंक्शन दिया है एक चार दो पांच तीन छह, तो ए से बी तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक ही है। एफ क्या है? एक एक ही, यानी वन वन फंक्शन। तो देखो सेट ए में कितने एलिमेंट है? तीन एलिमेंट है, एक दो तीन। अब बी में कितने एलिमेंट है? चार दो, चार पांच छह सात, चार पांच छह सात, छह सात हो गया ना, जी सर। अब फलन में देखो, फलन में क्या सब पेयर है? वन फोर, ये किसके साथ रिलेटेड है? चार से। उसके बाद दो पांच तीन छह, तीन छह हो गया ना। तो ऐसे इनका सॉल्यूशन करेगा, सिद्ध करना है ना, सॉल्यूशन लिख दो। ज्योमेट्री नहीं है कि प्रूफ लिखना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं है, इसमें सॉल्यूशन लिखना है। ऐसे हम लिख दिए, दो को सेट बना लिए ना। अब देखो सेट ए में एक दो तीन एलिमेंट है, जी सर।
इसमें चार पाँच छह सात सात हो गया ना जी सर। तो देखो एक का इमेज क्या है चार है, चार है। दो का इमेज क्या है पाँच है, तीन का इमेज क्या है छह है ना जी सर। चलिए ये हो चुका है यस सर। तो जी हो तो गया। अब ये कौन फंक्शन हुआ वन 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 टू फंक्शन होगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि बच गया है बच गया है ना यस सर। ये सिद्ध करना था हो गया या फिर एफ ही वन 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 फंक्शन सिद्ध कीजिए कि एफ एक ही है प्रूफ हो गया ना जी सर। कितना ये सवाल था और लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो तुम्हारा मन है कि हम और लिख दे यस सर। तुम यही लिख देना कि ए के भिन्न भिन्न एलिमेंट का ए के भिन्न भिन्न एलिमेंट का बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है इसलिए आप क्या है वन वन फंक्शन वन वन फंक्शन। तो क्लास ट्वेल्व एक्सरसाइज 1.2 सात छह तक हो गया था जी सर। अब देखिए सात नंबर का जो सवाल है वो इस प्रकार से है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एक एक ही आच्छादक तथा एक एक ही अथवा एक एक ही आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो इसमें आपको वन वन और क्या करना है वन वन चेक करना है। तो पहला आप क्या करेंगे फलन लिख लीजिए यानी इसका जो है डोमेन भी आर डोमेन भी आर आर मतलब क्या हो गया आर फॉर रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं रेशनल नंबर समझ गया ना। रेशनल नंबर के सेट को हम क्या कहते हैं रियल नंबर। तो वही ये रियल नंबर है डिफाइंड बाय ये किस प्रकार से डिफाइंड है डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर थ्री माइनस फोर एक्स थ्री माइनस फोर एक्स। तो इसमें जो है आपको बायजेक्टिव चेक करना है ये बायजेक्टिव है कि नहीं है। बायजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं बोलिए वैसा फंक्शन जो एक एक और आच्छादी दोनों वैसा फंक्शन जो वन वन और वन टू हो उसे हम क्या कहते हैं आप बोलिए बायजेक्टिव किसे कहते हैं वैसा फंक्शन जो वन वन और वन टू वैसा फंक्शन जो वन वन और वन टू उसे हम क्या कहते हैं आप बोलिए बायजेक्टिव किसे कहते हैं वन वन और वन टू हो उसे हम क्या कहते हैं आप बोलो बायजेक्टिव किसे कहते हैं आप बोलो बायजेक्टिव किसे कहते हैं वैसा फंक्शन एक बार बोल दो और वन टू बायजेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं समझ चुका है ना जी सर। तो कह रहे हैं कि एफ सजेट आर टू आर आर जो है आर से आर रियल नंबर से रियल नंबर में एक फलन है और डिफाइंड बाय ये परिभाषित है एफ एक्स बराबर थ्री माइनस फोर एक्स। पहला चेक करना है वन वन तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं वन 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 ये लिख दिए यस सर। देखो तो यहाँ पर वन वन के लिए हम क्या लेते हैं एफ एक्स वन बराबर वन वन के लिए क्या लेते हैं इसलिए यहाँ पर लिख देना है कि एक्स वन और एक्स टू ये किसका सदस्य है आर का क्योंकि आर टू आर है ये क्या है आर टू आर तो ये रियल नंबर है ना इसलिए एक्स वन एक्स टू किसका सदस्य होगा रियल नंबर का होगा। तो डेफिनेशन से क्या होता है एक्स वन बराबर अब आपको क्या दिखाना है बोलो डेफिनेशन क्या कहता है कि एफ एक्स वन एफ एक्स टू के बराबर हो तो एक्स वन किसके बराबर होना चाहिए एफ एक्स वन का क्या मतलब बोलो तो एफ एक्स वन का थ्री माइनस फोर एक्स वन एफ एक्स वन का क्या अर्थ देखो एक्स है कम एक्स है यहाँ पर वन रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा एफ एक्स टू का क्या मतलब ये थ्री ए थ्री कट गया माइनस फोर एक्स वन बराबर क्या होगा माइनस फोर एक्स टू ये माइनस फोर कट गया एक्स वन बराबर क्या हो गया एफ क्या हो गया किसको दिक्कत है किसी को नहीं दिक्कत है। आप दूसरा क्या चेक करोगे वन टू वन टू फंक्शन की हम क्या करते हैं वाई बराबर एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स y एफ एक्स का मान क्या है एफ एक्स थ्री माइनस फोर एक्स है ना जी सर। अब बोलो ये जो माइनस फोर एक्स है बराबर किस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस फोर एक्स
प्लस फोर एक्स हो गया ना, प्लस वाई इधर गया तो क्या होगा, थ्री माइनस क्या होगा, वाई होगा ना। तो देखो फोर एक्स बराबर क्या हो गया है, थ्री माइनस वाई, या एक्स बराबर क्या होगा, ये चार इधर एक्स में गुना है, इधर क्या होगा। आप बोलिए ये रियल नंबर होगा कि नहीं होगा, ये रियल नंबर होगा कि नहीं होगा। देखिए रियल नंबर मतलब एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर है ना, एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर है। तो देखिए y के स्थान पर कोई भी मान रख दीजिए रियल नंबर का, रियल नंबर का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक होगा ना। तो x का मान कुछ हो रखिए, y का मान कुछ भी रखो, यहाँ पर रखो तो वन रख देते हैं। तो थ्री माइनस वन क्या हो गया, टू, टू अपॉन क्या हो गया फोर, यानी टू बाय क्या हो गया फोर, दो दो चार, वन बाय टू, वन बाय टू क्या है, रियल नंबर है ना। कुछ भी मान रखो, जीरो ही रखो, थ्री बाय फोर, थ्री बाय फोर क्या है, अगर यहाँ पर एक ही रखो, एक रख चुके हैं, उसके बाद तीन ही रख दो, क्या रख देते हैं, वाई का मान तीन, तीन में से तीन गया क्या हो गया, ये क्या होगा, जीरो रियल नंबर नहीं है। देखो ये आर का सदस्य हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, इसलिए आप अगर नहीं होता यहाँ पर कट लग जाता, ये कंडीशन फॉलो नहीं करता, एफ वन टू फंक्शन नहीं है, एफ अब क्या हो गया, एफ ही वन टू फंक्शन। जब एफ वन वन और वन टू दोनों हो गया तो एफ क्या है, एफ इज बाय एडजेक्टिव। सात का दो नंबर का सवाल जो है इस प्रकार से है, बोलो एफ फंक्शन क्या है, ये भी आर टू आर है, ये भी रियल नंबर से रियल नंबर में फलन है और डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर क्या हो गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन पहला क्या चेक करोगे, वन वन फास्ट में उतारते चलो, इस फॉर्म में समझाएंगे जी सर, समझिए ये सब आप लोगों के लिए है जी सर, छोड़िए देखो तब भी। एफ एक्स वन बराबर क्या करोगे, एफ एक्स टू, वन प्लस एक्स वन का होल स्क्वायर बराबर क्या करोगे, वन प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर, वन वन खत्म। एक्स वन का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एक्स टू का होल स्क्वायर। एक्स वन का देखो, एक्स वन बराबर क्या होगा, प्लस माइनस रूट ओवर एक्स टू का होल स्क्वायर, प्लस माइनस क्या हो गया, एक्स टू हो गया। तो बोलो एक्स वन बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस एक्स टू। एक्स वन जो है आपको एक्स वन एक्स टू के बराबर होगा कि नहीं होगा, बट कोई भी संख्या अपने निगेटिव, कोई भी पॉजिटिव संख्या है वो निगेटिव संख्या के बराबर होगा नहीं होगा, एक्स वन का भी माइनस एक्स टू के बराबर होगा। तो एगो तो देखो सपोर्ट किया लेकिन एगो विरोध कर दिया कि नहीं कर दिया, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एफ इज नॉट वन वन फंक्शन, नॉट वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। दूसरा क्या चेक करोगे, वन टू, वन टू वन टू चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू किस में, आर का सदस्य है, एक्स वाई क्या है, आर का सदस्य, तो वाई बराबर क्या लेंगे, एफ एक्स लेंगे, वाई वाई एफ एक्स का मान क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, वाई माइनस वन, एक्स बराबर क्या होगा, प्लस माइनस रूट ओवर वाई माइनस वन होगा ना। आप देखिए y का मान हम क्या रख देते हैं, y का मान हम जीरो ही रख देते हैं। इफ y इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, तो बोलिए y के जगह क्या रखोगे, जीरो माइनस वन, तो प्लस माइनस रूट ओवर क्या हो गया, माइनस वन हुआ ना। तो रूट के अंदर में कोई भी संख्या ऋणात्मक हो, रूट के अंदर में कोई भी संख्या ऋणात्मक हो तो रियल नंबर, रूट के अंदर में कोई भी संख्या ऋणात्मक हो तो रियल नंबर, इतना ध्यान रखो ये रियल नंबर क्या हो जाता है, तब इमेजिनरी नहीं हो जाता है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाए थे ना।
तो ये आपको क्या होगा, रियल नंबर होगा? नहीं होगा। आप कोई भी संख्या लेते रखो, माइनस वन ही रखो, फिर भी होगा रियल नंबर। माइनस टू ही रखो, नहीं होगा। यहाँ पर लिख दो कि सो एफ इज नॉट वन टू फंक्शन। अब देखो एफ जो है आपको न तो वन वन हुआ ना ही वन टू हुआ, क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा? नहीं होगा। लिख देना है कि हैंस एफ इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। सवाल है, करो तो आठ नंबर का सवाल। मान लीजिए कि एक काफी दो समुच्चय है, सिर्फ इसलिए कि एफ ऑफ दैट ए क्रॉस बी बी टू बी क्रॉस ए इस प्रकार है कि एफ ए बी समझ गया ना? यहाँ पर ए और बी क्या है, दो सेट है। तो तब कहता है कि सो डेट एफ सच डेट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच डेट एफ ए बी बराबर क्या होता है एफ बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो आपको जो है इस प्रकार से है कि एफ सच डेट ए क्रॉस बी एफ सच डेट ए क्रॉस बी टू क्या हो गया बी क्रॉस ए और फलन जो डिफाइंड है इस प्रकार से है कि अगर यहाँ पर आपको ए भी रहता है तो प्लॉट के क्या हो जाता है ए हो जाता है, प्लॉट जाता है ना जी। yes, तो इसमें आपको जो है कि वन 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 टू चेक करना है। तो पहला क्या करोगे वन वन ऐसे लिख दिए वन वन। आप देखो मान लेते हैं, अच्छा एक चीज बताओ वन वन की डेफिनेशन से क्या आता है एफ एक्स वन बराबर आता है ना, एफ एक्स वन बराबर तो वन और टू दोनों आता है। तो मान लेते हैं कि ए वन बी वन, तो ई वन वाला हो गया जैसे एफ एक्स वन होता है ए वन बी वन, उसके बाद फिर क्या लोगे ए टू बी टू। क्योंकि वहाँ पर एक ठो एक्स रहता था, यहाँ पर क्या आ गया है दोनों आ गया, दो आ गया है ना। तो एगो एफ देखो एक्स वन एक्स टू नहीं करते हैं, एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू, जो मान के चलो कि यहाँ पर आपको रहेगा ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी मतलब डोमेन के स्थान पर जो रहता है उसका हम एलिमेंट बनाते हैं ना, नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है ए क्रॉस बी, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू क्या करेगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। फिर देखो डेफिनेशन से क्या आता है एफ एक्स वन बराबर, डेफिनेशन से क्या होता है वन वन का डेफिनेशन जो है। अब यहाँ पर देखिए एक्स वन का मान क्या है, ये आपका क्या हो गया एक्स वन, ये क्या हो गया आपका एक्स वन बराबर क्या होता है होता है ना। तो एफ एक्स वन इसका अर्थ क्या हो गया ए वन बी वन बराबर ए टू बी। अब देखिए एफ एक्स टू इसका क्या अर्थ हो गया बराबर ए टू बी टू, ए टू बी टू, ए टू बी टू हो गया ना। फिर देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं ए टू बी टू। देखिए ये भी रहता है तो क्या हो जाता है बी, एफ को हटाना हो तो हम क्या लिखेंगे बी वन ए वन लिखेंगे ना, टू ए टू इसको क्या लिखेंगे बी टू ए टू लिखेंगे ना। तो ये बी वन किसके बराबर होगा बी टू ए वन किसके बराबर होगा बी बराबर। तो क्या हम लिखेंगे बी वन बराबर बी टू टू एंड ए वन बराबर बी टू लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ना कि ए वन और बी वन अब बराबर हम क्या लिख सकते हैं ए टू बी टू बी टू। देखो यही ना होता है जी, जब आपको क्या रहे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रहे, एफ एक्स टू रहे एक्स वन बराबर हम क्या लिखते हैं लिखते हैं ना, ये उल्टा है। ये आपको फलन में इस प्रकार से डिफाइंड है, ये भी रहता है तो क्या हो जाता है आपके क्वेश्चन में ही है, इसलिए उल्टा दिया। सर जी कैसे हुआ ए वन बी वन बराबर ए टू बी टू, देखिए ये बी वन किसके बराबर है बी टू बराबर, ए वन किसके बराबर है के बराबर। इसको हम लिख सकते हैं देखो, तो वही चीज ना हम लिखे ए वन किसके बराबर होगा ए टू के बराबर, बी वन किसके बराबर होगा बी टू। ठीक भी है लिखते, तो एफ क्या हो गया आपका एफ इज वन वन। देखो डेफिनेशन को याद रखिए, फलन
अपने आप जो है ना अपने आप समझेगा, अपने आप बनाएगा, डेफिनेशन में याद है, समझ गया ना, तो भगवान भी तुमको नहीं समझा पाएगा। बराबर हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी टू पहले होगा, ए टू बाद में होगा। तो देखो पहला एलिमेंट, पहले एलिमेंट तो बराबर होगा कि नहीं होगा, नहीं लिखाए थे क्लास 11th में दो कर्मित युग्मों की समानता, समझ गया ना। तो ये बी वन जो है किसके बराबर होगा, बी टू के, ए वन किसके बराबर होगा, ये इस प्रकार से हो चुका है। अब देखिए इनको आप लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो कि ए वन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए टू एंड बी वन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, इसको हम पहले लिख लिए, इसको हम बाद में लिख लिए। तो देखिए अगर बी वन बी टू, देखिए बी वन बी टू पहले है तो यहाँ पर देखिए पेयर में भी ना पहले ही लिखा गया है, अगर हम इसको हम पहले ले आए, इसको हम किस क्या किए बाद में ले आए, तो अब क्या है पहले ए वन है ना, क्या ऐसा लिखना मेरा गलत है, नहीं है, तो पहले है क्या है ए वन है ना, ए वन लिख सकते हैं ना, इसका पहला क्या है बी वन है ना, तो ए वन बी वन को हम साथ लेंगे कि नहीं लेंगे। अब देखिए बराबर बराबर उसके देखिए ए टू बी टू इस प्रकार से लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो इसका अर्थ हो गया कि ए वन किसके बराबर है, ए टू के, और बी वन किसके बराबर है, तो देखिए ए वन ए टू और बी वन बी टू, उसी चीज को हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर के रूप में। देखिए लिखने का तरीका हो गया, अगर ए वन ए टू और बी वन बी टू दिया रहे तो ऑर्डर पेयर के रूप में बराबर करके लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ए वन बी वन को एक साथ लेंगे, ए टू बी टू को क्या करेंगे, और वैसे भी ये दोनों एक के साथ है ना पूर्व से ही, सिर्फ क्या करना था स्थान को चेंज न करना था, अगर पहले ही तुमको प्राप्त हो जाता ए वन पहले या बी वन बाद में तो ये क्रिया करने की आवश्यकता थी नहीं, वहाँ पे अगर सजी पलट दिया जाएगा तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, यहाँ पर अगर पलट दोगे मान के चलो गलत तो नहीं होगा, ऐसा होता है लेकिन तुम बनाया तब क्या, वैसे ये सवाल बनाना ना है कि दो कोष्ट में लिखते हैं दो तीन, उसी को तीन दो लिखते हैं, वो गलत कैसे होगा, गलत हो जाएगा ना, अगर फलन उस प्रकार से डिफाइंड नहीं है तो गलत नहीं होगा, बहुत बड़ा मीनिंग होता है ये, डायरेक्शनल होता है जी, ये क्या होता है डायरेक्शनल होता है, ये क्या होता है यानी ए क्रॉस बी में क्या आएगा, पहला एलिमेंट एक आता है दूसरा एलिमेंट क्या आता है, जैसे मान के चलो ए क्रॉस हम बी लेते हैं, क्या लेते हैं ए क्रॉस बी, इसका अर्थ हो गया जैसे वन टू लिया तो वन किसका एलिमेंट होगा ए का, दो किसका एलिमेंट होगा, ये डायरेक्शनल है जी, तो टू क्या कर देगा टू वन लिख देगा, डायरेक्ट गलती हो जाएगा जी, ये डायरेक्ट नहीं गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको बी ए है तो मतलब क्या है बी क्रॉस ए ना है जी, और यहाँ पर भी ना बी ए है, इसका अर्थ क्या हो गया बी क्रॉस ए ना है, या दोनों को हम सही करके लिख सकते है ना ए क्रॉस बी, तो जिसको हम ए क्रॉस बी किए तो इसको भी क्या करना पड़ेगा दोनों को एकदम चेंज करेगा तब ना कोनो गलती नहीं होगा, और सिंगल को ही चेंज कर देगा तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या है बी ए है ना, यहाँ पर क्या है बी ए, अगर इनको हम पहले लाते हैं इनको बाद में लाते हैं तो जो प्रोसेस इसमें करेंगे तो बराबर के साथ जो है बराबर के बाद वही प्रोसेस उधर करना पड़ेगा ना, अगर इसमें दो से गुना करते हैं तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, समझ गया ना, यदि हम इसको पलटेंगे तो इसको भी पलटना होगा, सेम प्रोसेस कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, उसको बना के ना दिखाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकता है मार्क जो है कि आपको नहीं कटेगा, लेकिन बनाने का ये तरीका है। तो ये आप समझ चुके हो कि ये जो है एक्स वन किसके बराबर हो गया है, एक्स टू के, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू था तो एक्स वन बराबर क्या हो गया एक्स टू हो गया ना, ये वन वन फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ। आप देखिए वन टू फंक्शन, वन टू फंक्शन, तो इसमें मान लो कि माना कि बी ए जो है किसका सदस्य है बी ए का, ये स्मॉल बी है ना, ये किसका सदस्य है बी क्रॉस ए का, तब जो है तब अस्तित्व क्या होगा, यदि बी ए बी क्रॉस ए का सदस्य है तब अस्तित्व होगा ए बी किसका सदस्य होगा, ए क्रॉस बी का नहीं होगा जी, यदि बी ए बी क्रॉस ए का सदस्य होता है, देखिए बी बी का ए का सदस्य, तो ए बी किसका सदस्य होगा, ए बी किसका सदस्य होगा, ए क्रॉस बी का होगा कि नहीं होगा। अब देखिए अगर हम ए बी लेते हैं, यहाँ पर मान क्या लेते हैं ए बी,
लास्ट यहाँ दिखा दिए जी बी ए किसका सदस्य होता है बी क्रॉस ए का ए बी किसका सदस्य है क्रॉस बी का तो यहाँ पर हम ए बी लिए क्या लिए ए बी तो क्या होगा बी ए होगा कि नहीं होगा ए बी लिए तो बी ए होगा कि नहीं होगा होता है ना तो इस वन है जी तो देखिए ये आपको एक्स के रूप में होगा कि नहीं होगा ये क्या होगा वाई के रूप में होगा कि नहीं होगा डेफिनेशन क्या है वाई बराबर वाई बराबर तो कभी हम क्या करते हैं कि वाई बराबर एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स लिख करके ही इनको जो है कि सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कभी क्या होता है कि यही सिद्ध करना होता है नहीं हो गया कभी सिद्ध करना होता है कभी भी आप डेफिनेशन पर बैठा करके देखते हैं क्या ये डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है हिसाब सभी तरह के होते हैं एक ही टाइप के थोड़े होते हैं कभी आपको क्या होता है कि डेफिनेशन पर बैठा करके आपको देखना होता है जैसे यहाँ पर आपको जो है कोई रियल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं ना है नो सर ये चीज तो नहीं है तो इसलिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा वाई बराबर एफ एक्स जो है ये सिद्ध ही करना पड़ेगा ये दिखाना ही होगा समझ गया ना पे आर टू आर रहता तो सर तब सुबह मान लेते आर टू आर रहता ना तो आपको ये फंक्शन भी कुछ अलग होता जी सर समझ गया ना ये फलन भी आपको कुछ अलग दिया रहता तो इसमें आपको क्या दिखाना था वाई बराबर देखिए इसको हम क्या मान सकते हैं y ये क्या हो गया x तो y बराबर एफ एक्स हुआ कि नहीं हुआ y बराबर एफ एक्स हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं इसका अर्थ हो गया कि सेट भी यानी कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं सभी क्या है इमेजेज है समझ गया ना ये क्या है प्रतिबिंब है तो कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट इमेज हो तो उसे हम क्या कहते हैं फंक्शन क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है और वो तो सवाल को लेट एफ फंक्शन एन टू एन बी डिफाइंड बाय एफ एन बराबर देखो एन प्लस वन बाय टू इफ एन इज ओड और दूसरा इसका जो है कंडीशन एन बाय टू इफ एन इज इवन एन बाय टू कब होता है जब एन इवन हो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन सभी एन बिलोंग्स टू एन के लिए सभी एन के मानों के लिए अब यहाँ पर देखिए फलन जो है आपको नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है फलन किस में है नेचुरल नंबर से नेचुरल प्राकृतिक संख्या से यानी इसका जो है डोमेन ये एन क्या हो गया डोमेन ये एन क्या हो गया इसका कोडोमेन समझ गया ना तो ये जो है कि आपको एन से एन में मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर और फलन इस प्रकार से डिफाइंड है देखो कि एफ एन बराबर आपको दिया है एन प्लस वन बाय टू इसके बाद इफ एन इज ओड एन क्या हो विषम विषम हो गया ना एन इज ओड ओड का हिंदी क्या होता है विषम एन बाय टू इफ इवन एन इज इवन इवन सम समझ गया ना तो ये चीज दिया है नंबर नाइन एफ असल्टेट एन टू एन एफ एन बराबर आपको क्या हो गया एन प्लस एन बाय टू इफ एन इज ओड जब एन क्या हो सम हो एन बाय टू होता है जब एन क्या हो सम सम हो और आपका सवाल भी है कि एफ फंक्शन एन टू एन वी डिफाइंड बाय एफ एन बराबर ये चीज आपको दिया हुआ है और फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन उसके बाद कह रहे कि स्टेट वेदर द फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव जस्टिफाई योर आंसर तो अपने आंसर के द्वारा इनका जो है कि औचित्य सिद्ध करो औचित्य ये जो है कि ये वन 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 टू होगा कि नहीं होगा तभी ना बाइजेक्टिव होगा जी यस सर अगर मान के चलो कि कोई एक भी नहीं हुआ तो बाइजेक्टिव होगा नहीं होगा पहला आप क्या चेक करेंगे वन वन हम चेक करेंगे तो वन वन का एंट्री क्या होता है एक एक यानी एक का एक एक का एक एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए देखिए कॉड़ा की एन इज ओड एन इज ओड तो तीन एन इज एक तीन ओड एन को हम क्या लेते हैं ओड तो बोलो एन का मान क्या लोगे एक ले सकते हैं ना यस सर क्योंकि नेचुरल नंबर है ये क्या है नेचुरल नंबर एक शुरू होता है ना नेचुरल नंबर में विषम कौन सा होता है एक होता है तीन पांच सात नौ चलते जाता है
अनंत तक उतना हम एलिमेंट नहीं लेंगे, एक या दो एलिमेंट लेकर के हम देखेंगे कि ये जो है वन वन होगा कि नहीं होगा। जैसे हम वन ले लिए तो वन प्लस वन तो वन प्लस वन बाय क्या होगा, टू होगा ना, वन बाय टू, टू बाय क्या हो गया, टू बाय टू वन, तो इसका क्या हो गया मान वन हो गया। अब देखिए इसी में एफ टू एफ थ्री ये जैसे और लिए थे तो एन इवन हो, एन क्या हो, एन इवन, एन सम संख्या, एन क्या हो, सम संख्या, तो हम क्या लेंगे, दो, दो लेंगे। यस सर। अब देखिए ये यहाँ पर क्या रखेंगे, दो दो बटे दो बटे दो कट गया ना, वन क्या आया, वन आया ना। देखिए एफ वन का भी मान क्या है, एक, एफ टू का भी मान क्या है, एक, तो एफ वन बराबर क्या होगा, एफ टू, एफ टू होगा ना, इसीलिए एक बराबर दो, एक बराबर दो होगा, एफ ही नॉट वन वन नॉट वन 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 वन, इसका मान बराबर हो जाएगा, सर इससे मतलब ना ये बराबर होना चाहिए वन, एफ वन ये पता है ना कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू हो, ये आपका क्या हो गया एफ एक्स वन, एक्स वन ये आपका क्या हो गया एक्स टू, एक्स वन किसके बराबर होना चाहिए, एक्स टू के बराबर, लेकिन एक्स वन क्या है वन है ना, एक्स टू क्या है टू है, तो वन टू के बराबर तभी होगा, ये तो परिभाषा में है, एफ एक्स वन एफ एक्स टू के बराबर हो तो एक्स वन किसके बराबर होना चाहिए, एक्स टू के बराबर, उतना दूर नहीं जाना क्योंकि डिजिट है, तो समझ लो कि क्या लिए है, एक लिए है ना डोमेन में, क्या लिए, ये डोमेन का एलिमेंट हुआ, इधर डोमेन इधर क्या निकलता है, को डोमेन का एलिमेंट, तो वन में देखिए डोमेन में क्या लिए है, डोमेन में वन, फिर डोमेन में क्या लिए है, टू टू, एक का इमेज क्या बना, वन वन, दो का इमेज क्या बना, वन 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 फंक्शन है, नो सर ये कौन फंक्शन है, मैनी वन, मैनी मैनी मतलब अनेक, यानी दो का एक हो गया, एक से अधिक अनेक, वन वन मतलब क्या हो गया, एक का एक, देखो एक का अलग बनना चाहिए था, दो का अलग बनना चाहिए था, वन वन होता थे, आप इस प्रकार से भी दे सकते, इतना नहीं लिखो तो ये वन वन फंक्शन आपको नहीं हुआ, एफ इज नोट वन वन। अब दूसरा इनका जो कंडीशन है वन टू, वन टू क्या है, पहले इसको समझ लो, ये क्या हो गया वन टू, यस फर्स्ट में देखिए एन क्या हो, ओड हो, एन क्या हो, ओड हो, क्योंकि देखिए एन ओड हो तो ये ओड कब होगा, किसी भी संख्या में दो से गुना कर दीजिए, एक जोड़ दीजिए तो संख्या क्या होगा, ओड होगा, किसी भी संख्या में दो से गुना करके एक जोड़ देने पर वो संख्या क्या हो जाता है, ओड। जैसे यहाँ पर n ओड है तो n बराबर क्या होगा, 2a प्लस 1 लिख सकते हैं, टू बी हो, टू बी भी हो सकता है, आप यहाँ पर टू भी लिख सकते हैं, टू भी से ज्यादा तक लिख, टू आर भी लिख सकते हैं, टू क्यू भी लिख सकते हैं, टू पी, मतलब ये जो है कोई संख्या है जो नेचुरल नंबर है, जो क्या है नेचुरल, यहाँ पर आप जो है कि x भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 रखेंगे तो दुकान दो एक तीन, दो रखेंगे रखेंगे तो दो चार पाँच, तो इनको समझ चुके हैं कि n ओड है तो n बराबर क्या होगा, 2a प्लस 1, 4a प्लस 1 भी कर सकते हैं, यस समझ गया ना, 6a प्लस 1 भी कर सकते हैं, प्लस 1 कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हो गया। अब देखिए देन देयर एग्जिस्ट, तब जो है कि आपको ऐसा मान लेना है, ऐसा मान लेना है कि ये जो विषम वाले फंक्शन है इसमें रखने पर आपको क्या प्राप्त हो जाए, इसका 2a प्लस 1। तो हम लेते हैं कि ये एक मान जो है इस प्रकार से विद्वान है, मतलब उस सेट में है, समझ गया ना, किस सेट में होगा बोलो, डोमेन में है, समझ गया ना, डोमेन में एक मान ऐसा है जो ये इस एन की जगह रखने पर आपको क्या मान प्राप्त, ये मान दे दिया तब क्या होगा, वन टू फंक्शन होगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक मान हम 4a प्लस 1 ले लिए, ये क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा नेचुरल नंबर, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, ये क्या है, ये नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो समझ गए सर जी, 4a प्लस 1 हो गया ना, ये 4a प्लस 1 लिए है ना, नहीं लिए हैं, इसको हम किसके जगह रख दिए हैं, एन की जगह, तो जहाँ एन था वहाँ पर क्या होगा, 4a प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर एन है ना, एन का मान क्या लिए हैं, 4a प्लस 1,
ये प्लस आपका ये हो गया, ये वन आपका ये हो गया, ये बटा में टू है तो यहाँ पर बटा में क्या हो गया टू बटा। अब देखिए एक प्लस एक क्या हो गया दो हो गया ना, दो से भाग दीजिए दो दूनी चार, दो ए प्लस टू का टू ए प्लस वन हो गया ना, ये टू ए प्लस वन भी क्या था विषम था, ये नेचुरल नंबर था ना यस न था जी। अब देखिए इस मान से भी आपको क्या प्राप्त हुआ है टू ए प्लस वन, यानी फोर ए प्लस वन का इमेज क्या होगा टू ए प्लस वन हुआ कि नहीं हुआ यस। अब केस एक और है केस टू, तो केस टू में देखिए एन इज इवन, एन इज इवन, एन क्या हो सम हो, तो एन बराबर क्या होगा बोलिए, तो एन जब सम हो तो एन ए बराबर क्या लिख, टू एन बराबर क्या लिख सकते हैं टू ए, उसमें एक जोड़ेंगे तब ना समझ आएगा, क्योंकि एम क्या है एम नेचुरल एन जो है आपको सम है, एन क्या है सम है, तो सम मतलब क्या दो से जो विभाजित हो जाए तो किसी भी संख्या में दो से गुना कर दीजिए तो सम हो जाएगा, वो सम हो जाएगा, किसी भी संख्या में दो से क्या कीजिए गुना सम हो जाएगा, ये सब नियम है ध्यान रखिए। जैसे ये कोई नेचुरल नंबर है, ये क्या है कोई नेचुरल आपके हिसाब के अनुसार, उसमें हम दो से गुना करेंगे तो नेचुरल नंबर होगा कि नहीं होगा, कोई भी मान लो ये नेचुरल नंबर है, ये क्या है व्हेन ए बिलोंग्स टू एन, ये जो है आपको नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब हो गया एक दो तीन चार पाँच, चलिए एक हम बैठाते हैं दुक्का दो, दो बैठाते हैं दो दुनी चार, तीन बैठाते हैं दो दुनिया छ, तो देखो छ क्या है इवन है कि नहीं, उसके बाद हम चार बैठा देते हैं दो चौके आठ, आठ हो गया ना, आठ क्या है नेचुरल नंबर है ना यस सर नेचुरल नंबर, और इवन है कि नहीं है, है मतलब कोई भी मान रखो पांच ही रखो दो पंच दस, दस दस क्या है नेचुरल नंबर भी है और इवन है कि नहीं है यस सर, तो देखो यानी किसी भी संख्या में चाहे वो सम संख्या हो कि विषम संख्या हो, उसमें अगर दो से गुना कर दिया तो सम संख्या ही होगा, वो क्या होगा सम संख्या ही होगा, किसको इसमें दिक्कत है कौन नहीं समझा उससे, चलिए तो आपको लेना है कि तब एक संख्या आपको इस प्रकार विद्यमान होना चाहिए देन देयर एग्जिस्ट एग्जिस्ट फोर ए बिलोंग्स टू एन, फोर ए बिलोंग्स टू एन, अब फोर ए क्यों लिए फोर ए है वहाँ पे से ये टू ए ना, तो यहाँ पर फोर ए लेगा तब ना यहाँ पर फोर ए रखेगा तो तब ना टू ए प्राप्त होगा, प्राप्त होगा यस सर, अगर इनको फोर ए ले लेता तो यहाँ पर क्या लेना होता फोर एट एट होता, समझ गया ना क्या लेता एट ए, अब कहेगा कि ई कहाँ से आया ना, ये भी मन में सवाल उठता है ना ये कहाँ सवाल ये आया, देखिए सोच करके ये आपको पुराना ना है कि ये वन टू होगा कि नहीं होगा, आप जांचोगे ना ये अपने मन से न रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या का कंडीशन नहीं है कि यही प्रयोग कीजिए इक्के का कीजिए तीने का कीजिए, नहीं प्रयोग है जी, आपके लिए स्वतंत्र न छोड़ दिया है, आप सभी एकदम कंडीशन को न देखोगे, तो यहाँ पर क्या लोगे फोर ए, क्या लोगे फोर ए, अब देखिए तो फोर ए लिए हैं तो किस फंक्शन के लिए है, जब एन इवेन एन जब सम हो, समझ गया ना इवेन वाला कंडीशन फंक्शन में कौन टू एन बाय टू न है, तो फोर ए यहाँ पर एन होता है तो यहाँ पर क्या होता है एन, यहाँ पर फोर ए होगा तो फोर ए बाय टू, तो फोर ए बाय टू टू बराबर दो दूनी क्या हो गया चार टू ए, यानी टू ए हो गया ना, ये कौन हुआ बिलोंग्स टू एन, एन हुआ कि नहीं नेचुरल नंबर हुआ ना, तो सो एफ ही वन टू फंक्शन, एफ क्या है वन टू फंक्शन है, अब देखिए एफ आपको वन वन नहीं हुआ, एफ आपको वन वन हुआ नहीं हुआ, एफ लेकिन वन टू है तो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस हेंस एफ इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, उतारिए है कि लेट ए बराबर देखो ए बराबर आपको क्या दे दिया है आर माइनस थ्री, ए जो है कि सेट ए है, सेट ए क्या है रियल नंबर, सेट ए क्या है रियल नंबर,
उसमें जाके तीन को छोड़ करके, तीन को छोड़ करके, क्योंकि आर में से रियल नंबर पे तीन घट रहा है ना जी, तीन नहीं लेंगे लोगे रियल नंबर में, माइनस तीन लेंगे ना, माइनस तीन क्यों लेगा, तीन को सिर्फ छोड़ करके, तीन घट रहा है तो तीन नहीं होगा, रेस्ट जितनी भी संख्या सभी आएगी दो हो जाएगा। उसके बाद देखो सही बोलते तीन के छोड़ के, फिर बी में दिया है ये आर माइनस वन दे दिया है, यानी एक को छोड़ के, एक को छोड़ करके। तो सेट ए में जो है, सेट ए क्या है रियल नंबर है, इसमें तीन को छोड़ करके, और सेट बी क्या है ये भी रियल नंबर है तो इसमें एक नहीं होना चाहिए। पूरी हिसाब को पढ़ो तो पढ़ो तो पढ़ो हिसाब को, मान लीजिए कि जोर से पढ़ो, थ्री तथा बी बराबर आर माइनस वन है, एफ एक्स बराबर एक्स एक्स माइनस टू बट एक्स माइनस थ्री द्वारा पढ़ने से तुलन एफ ए टू बी पर विचार की जितना तथा एक्स। देखो ये लड़का सही से एकदम मारेंगे, जोर से लगा देता तुमको, दो लड़का को देखे वहाँ पे बुक है ना, ये इलेवन की जिला जोर सो। मान लीजिए कि a बराबर r माइनस थ्री तथा b बराबर r माइनस वन है, एफ एक्स बराबर x माइनस टू बा एक्स माइनस थ्री द्वारा परिभाषित फलन f सच डेट a टू b पर विचार कीजिए, क्या f एकेकी तथा अचदक है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। समझ गया ना? यस सर। आपको वन वन और वन टू का जो है जांच करना है, वन वन और वन टू का जांच करना है, जांच करना है। देखिए ये तो आपको दे दिया, इसका डोमेन भी रियल नंबर है, तो डोमेन भी रियल नंबर है। फंक्शन परिभाषित किस प्रकार से है, एक्स बराबर बोलो, एक्स माइनस टू है, एक्स माइनस टू बटे एक्स माइनस थ्री। चलिए वन वन फंक्शन चेक करना है ना, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, वन वन, ये वन वन लिख दिए, वन वन के लिए देखिए क्या होता है, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एफ एक्स टू लेते हैं ना, ले लिए एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। अब देखिए एफ एक्स वन का मतलब क्या हो गया, क्या लिखे, इसीलिए एक्स वन बराबर एक्स टू, यहाँ पर वन देंगे तो यहाँ पर क्या दोगे, एक्स वन, हाँ समझ गया, एक्स वन गया ना, यस सर, क्या दोगे, एक्स वन माइनस टू बच्चे एक्स वन माइनस थ्री थ्री बराबर एक्स टू माइनस टू बच्चे एक्स टू माइनस थ्री, थ्री हो गया ना, कोना कोने गुणा कर दो, एक्स वन इंटू एक्स टू, कोना कोने नहीं होता है जी, यस सर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वही चीज हम कर रहे हैं, ये अब ये संख्या इससे गुना हो जाएगा ना, यस सर, एक्स वन माइनस थ्री इंटू एक्स टू माइनस, एक्स टू माइनस टू, ये हो गया ना, एक्स वन को एक्स टू से गुना करो तो एक्स वन क्या होगा, एक्स टू, फिर एक्स वन किससे गुना होगा, माइनस थ्री एक्स वन होगा ना, यस सर, फिर माइनस टू एक्स टू, फिर माइनस टू एक्स टू, टू एक्स टू हो गया, यस सर, प्लस माइनस टू प्लस छ, इसको इससे गुना करो, एक्स वन एक्स वन एक्स टू माइनस टू एक्स वन, फिर क्या होगा, उसके बाद माइनस थ्री एक्स टू प्लस सिक्स, बट वो कटेगा, ये छो कट गया, यस सर, ये मान कट गया गया। अब देखो ये माइनस थ्री एक्स वन है ना, यस सर, ये प्लस ये माइनस टू एक्स वन है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस न होगा जी, यस, माइनस टू एक्स वन है बराबर की इस साइड आया, क्या होगा, प्लस होगा ना, यस सर, ये तो यहाँ इधर आ चुका है ना, बचा माइनस थ्री एक्स टू, माइनस थ्री एक्स टू, और उसको भेजेंगे माइनस टू एक्स टू को इस साइड भेजेंगे तो प्लस, क्या होगा, प्लस टू एक्स टू। अब देखिए क्या बचेगा इसमें, माइनस थ्री एक्स वन में टू एक्स वन जोड़ेंगे कितना होगा, माइनस वन माइनस एक्स वन बचेगा सर, माइनस एक्स वन ना होगा, यस सर, ये थ्री थोड़े है पॉजिटिव, पहुंच हो गया जी, तो समझो कि तीन टका कर्जा है, दो रुपया दे रहा है, एक रुपया बचबे ना करेगा कर्जा, यस सर, इधर क्या होगा, क्या होगा उधर से माइनस एक्स टू होगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, एक्स वन बराबर क्या हो गया, इसीलिए एफ इज वन, देखो वन वन फंक्शन यही करता है कि वो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू हो तो एक्स वन बराबर एक्स टू होनी चाहिए, तो पूर गया कि नहीं पूर गया, पूर गया ना, एफ इज क्या होगा, वन वन फंक्शन, एफ इज वन वन फंक्शन चाहिए, समझ गया ना, यस सर। दूसरा क्या चेक करोगे, दूसरा वन टू, वन टू, ऐसे वन टू फंक्शन हम लिख दिए, यस सर, लिखने के पश्चात देखो
तो y बराबर x है। तो मान लेते हैं कि x जो है किसका सदस्य है, ये का वन टू की परिभाषा से क्या होता है, x a का सदस्य होता है, y किसका सदस्य होता है, यानी दो सेट लेते हैं ना जी, ये और भी, तो x किसका सदस्य होता है, ये का, और जो है y किसका सदस्य होता है, b का, ऐसा हम लेते हैं। यहाँ पर लिखना था उसको ध्यान देयर जिस y बिलोंग्स टू, हम क्या लेते हैं b, यस बिल्कुल सही। तो fx बराबर क्या होता है, y नहीं होता है, fx बराबर y। अब तो इतना तो परिभाषा से है, इतना तो परिभाषा से आता है, क्या आता है, अब y fx का मान क्या है, x माइनस टू बटे x माइनस टू बाय x माइनस थ्री। देखिए परिभाषा को रट जाइए, परिभाषा को नहीं रट के रखेंगे फिर ये सोचेगा ये कहाँ से है, ये तो परिभाषा से आता है। यस तो इसमें आपको x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, x का मान निकालिए। तो x का मान निकालने के लिए आप कोना कोनी क्या करेंगे, तो y को किससे गुना करेंगे, x से, तो क्या होगा एक्स, फिर y को किससे गुना करेंगे, थ्री से नहीं होगा, माइनस थ्री वाई, और बराबर में क्या होगा, एक्स माइनस टू, ये एक्स माइनस टू होगा ना, बराबर में हम क्या लिख देंगे, x माइनस टू। अब देखिए ये प्लस x है ना, ये क्या है प्लस, तो बराबर के इस साइड लाएंगे, माइनस x हो गया ना, यस सर, ये आपका क्या है बराबर है ना, माइनस टू प्लस, ये यहाँ पर क्या बचा है, माइनस टू है ना, यस सर, तो माइनस टू लिख दिए, प्लस थ्री, माइनस थ्री वाई को हम इस साइड ले आएंगे, क्या होगा प्लस थ्री, इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, थ्री वाई, अब माइनस टू को बाद में हम नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल सही लिख सकते हैं, इसमें देखो एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कॉमन आ जाएगा, एक्स इंटू वाई माइनस वन होगा ना, यस सर, इसलिए एक्स बराबर क्या होगा बोलो तो, एक्स बराबर क्या होगा, थ्री वाई माइनस टू और बटे वाई माइनस वन, बटे वाई माइनस वन, वाई माइनस वन बी कोडोमेन हो गया ना सर, कोडोमेन में अगर मान के चलो कि एक एक का यहाँ पर यूज कर दो, वाई के स्थान पर क्या रख दो, एक, तो एक में से एक गया क्या हो गया जीरो, मान क्या आएगा इन्फिनाइट हो जाएगा, उतना बटा जीरो इन्फिनाइट होगा ना, यस सर, ये रियल नंबर होगा, नो सर, इन्फिनाइट रियल नंबर होता है, नो सर, नहीं होता है, तो इन हिसाब में छोड़ दिया है, अगर ये कंडीशन नहीं रहता, ये कंडीशन नहीं रहता तो ये रियल नंबर नहीं होता, यस सर, ये कंडीशन नहीं होता तो ये रियल नंबर नहीं होता, समझ गया ना, क्योंकि तब हम y के जगह रियल नंबर, y अगर रियल नंबर है, y क्या है, रियल नंबर है, क्या y का मान एक नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं ना, yes, क्यों रख सकते हैं, क्योंकि y रियल नंबर है, y क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर है ना, तो y का मान हम एक क्यों रखेंगे, रखेंगे ना, yes, जैसे ही एक हम रख देंगे तो एक माइनस एक जीरो, इन्फिनाइट, विरोध कर दिया कि नहीं कर दिया, विरोध हो गया जी, तो हिसाब ये छोड़ दिया है कि एक को नहीं लेना, एक को नहीं लेना, एक को छोड़ करके आप कोई भी मान वाई की जगह रख दो, देखो रियल नंबर होगा, क्या होगा, रियल नंबर होगा, जैसे जीरो ही रख दो, जीरो माइनस वन, तो माइनस वन हो गया ना, माइनस वन, यहाँ पर जीरो रखेगा तो क्या होगा, माइनस टू, तो माइनस टू बटा माइनस वन, माइनस माइनस कर गया टू, तो रियल नंबर है, यस, दो ही रख दो, दो माइनस दो ही रख दो, तो तीन दूनी छह, चार आएगा, चार आएगा यहाँ पर, एक चार बटे एक, चार, चार रियल नंबर है कि नहीं, यानी कोई भी मान रख दो एक को छोड़ करके, ये क्या होंगे, रियल नंबर, ये क्या होंगे, रियल नंबर, समझ गया ना, ये क्या होंगे, रियल नंबर, रियल नंबर होंगे, तो इसलिए आपको देखिए कोडोमेन में ही देखना है सर, ये उसमें अगर तीन को छोड़ देंगे तब तो नहीं होगा, क्या चीज, एगो तो सर जी तीनों को ना छुटा हुआ है, तो इसमें तीन को ना छोड़ेंगे, एक को छोड़ेंगे, आप देखिए तीन एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स क्या है, ए का सदस्य है, ए का सदस्य है ना, यस सर, ये में से क्या छांटना है, तीन को, क्यों तीन को छांटेंगे, क्योंकि यहाँ पर तीन रखेंगे, तीन में से तीन गया, तीन में से तीन जीरो, जीरो आ गया, इन्फिनाइट कि ना आ गया, समझ, ये इन्फिनाइट आया कि नहीं आया, यस सर, इसलिए एक और तीन को छोड़ कर, यानी नीचे में जीरो जो है ना, हर में जीरो नहीं होना चाहिए, और किसी को दिक्कत है, अब आप ऐसा करना दो, जैसे एफ एक्स बराबर क्या प्राप्त होता है,
वाई प्राप्त होता है ना, तो देखो एक्स का मान तुमको क्या प्राप्त हुआ, ये वाई है ना, तो ये मान को तुम रख दो वाई तुमको मिलेगा ही। देखो जैसे ये ले लिए थ्री वाई माइनस टू वाई माइनस क्या हो गया वन हो गया ना बराबर वाई। अब देखिए यहाँ पर एक्स है तब ना हम एक्स देते हैं, ये पूरी मान को क्या मान लो एक्स, ये पूरे मान को क्या मान लो एक्स, तो क्या होता है एक्स माइनस टू क्या होता है एक्स का मान क्या है थ्री वाई माइनस टू बट्टे वाई माइनस वन वाई माइनस वन माइनस टू टू बट्टे बट्टे क्या होगा बोलो थ्री वाई माइनस टू थ्री वाई माइनस टू बट्टे वाई माइनस वन वाई माइनस वन माइनस थ्री, ये जो है देखो हाँ माइनस माइनस थ्री माइनस थ्री हो गया ना। यस सर। आप इनका भिन्न का घटो निकालो, भिन्न का घटो निकालो, लघुत्तम लेंगे वाई माइनस वन लफड़ा ये चैप्टर इतना इजी है समझ जाते थे सब समझ रहे हैं, लेकिन ये इतना इजी से ही हम तोड़ रहे हैं कि समझ रहा है दिमाग से बढ़ जाता ये कट रहा है। हाँ कटते ना तब समझ गया ना। चलो ये दो और ये दो क्या हो गया कट गया ना। उसके बाद देखिए तीन वाई में से दो गो वाई गया, कट गया ना, तीन वाई में से दो गो वाई गया क्या बचा वाई, ये गो वाई बचा ना ते, ते, आप देखिए प्लस तीन में से दो गया एक हो गया ना बराबर क्या हो गया क्या बोले थे आप सही निकल आया ना बिल्कुल। एफ क्या होगा आपको एफ ही एफ इज वन टू फोर वन टू सिक्स है। देखो ये जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन नंबर ग्यारह, यहाँ पर है कि लेट एफ सच डेट आर टू आर, समझ गया ना, एफ कोई फलन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में बी डिफाइंड है जो परिभाषित है निम्न प्रकार परिभाषित है करेक्ट आंसर, ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसमें करेक्ट आंसर का जो है चूज करना है, समझ गया ना। तो देखिए ऑप्शन ए में है कि एफ ही जो वन 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 टू एफ जो है वन वन है और वन टू क्योंकि अच्छा था अच्छा था। ऑप्शन भी है कि एफ इज मैनी वन बहु समझ गए ना बहु एक अच्छा था। उसके बाद सी में है कि एफ इज वन वन बट नॉट वन टू, मतलब कह रहे कि आप वन वन है लेकिन अच्छा तक नहीं है डी है कि यार ना तो वन वन है ना वन टू है ना। देखो अच्छा तक सॉल्यूशन हम इनका करते हैं सॉल्यूशन देखिए एफ एक्स बराबर क्या है एक्स बराबर फोर है ना जी सर जी सर हम क्या लेते हैं एफएक्स वन लेते हैं क्या लेते हैं तो वन का पावर क्या हो गया फोर वन हो गया ना yes, फिर हम माइनस वन लेते हैं तो माइनस वन का पावर क्या हो गया फोर तो बराबर क्या वन होगा वन तो लेते, लेते हैं जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या रहेगा वन। क्यों वन ले लिए क्योंकि रियल नंबर है तो वन रियल नंबर है कि नहीं है। फिर हम क्या लेते हैं माइनस वन लेते हैं ये जो माइनस वन है ये कौन नंबर है रियल नंबर है ले सकते हैं ना सर। तो माइनस वन पर पावर फोर क्योंकि सम पावर है तो क्या होगा वन ही ना होगा। तो आप देखो माइनस वन और वन का कौन है इमेज बना फंक्शन होगा तो बोलो ये वन वन होगा नहीं होगा मैनी वन ये कौन फंक्शन हुआ मैनी वन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अगर मान के चलो कि इसमें दूर है इसमें क्या रहे दौड़ है इसमें भी है ना हाँ जी सर दौड़ है। देखिए वो आपको कोडोमेन में रहेगा वो आप क्या रहेगा ये आपको ये तो हिसाब में ना है सर ये अपने मन से हाँ ये आपको ऑब्जेक्टिव है ना बनाओगे ना तो वैसे हम कहोगे तो डायरेक्ट मार देंगे इसका लेकिन फिर भी समझा देते हैं इनका कौन ऑप्शन होगा। तो देखिए रियल नंबर है ना यस सर आर में होगा ना यस सर। आप देखिए ये इसका वही इमेज ना होगा कैसे परिभाषित है एफ एक्स बराबर क्या है एफ एक्स बराबर एक्स पावर फोर है ना यस सर। दो बार वन लेगा तो क्या हो गया वन पर पावर फोर फोर होगा अगर टू लेगा तो क्या होगा टू पावर फोर होगा समझ गया ना यस सर। तो इस प्रकार से बढ़ते जाएगा
इनका मान क्या हो जाएगा 16, तो एक हो गया 16 हो गया, फिर तीन लेगा तो तीन तीन होती है 27 81 होगा, ये सब ना इमेज होगा, रेस्ट जो एलिमेंट होगा वो इमेज होगा नहीं होगा, तो बीम एलिमेंट बचेगा कि नहीं बचेगा, बीम एलिमेंट बचेगा कि नहीं बचेगा, तो वन टू फंक्शन होगा, वन टू फंक्शन वही होता है जो कोडोमेन में जो है कि आपको एक एलिमेंट नहीं बचे, बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए, लेकिन इसमें तो ढेर सारे एलिमेंट बच जाएंगे ना, बच जाएंगे, तो इसलिए ये जो है आपको मेनी वन फंक्शन हो, वन टू फंक्शन नहीं होगा, ये आपको वन टू फंक्शन नहीं होगा, सिंबोलिक रूप में वन टू वाई बराबर हम क्या करते हैं, वन टू के लिए एफएक्स करते हैं ना, यहाँ पर एफएक्स का मान क्या है, एक्स पावर फोर, ये एक्स बराबर क्या होगा फोर्थ रूट क्या होगा वन होगा, अगर वाई के जगह तुम माइनस वाला संख्या ले लिया क्या सर, वाई के जगह जो है कि माइनस वाला संख्या ले लिया, माइनस में रूट में नहीं होगा सर जी, क्या रियल नंबर होगा, रियल नंबर की अगर रूट के वाई रियल है तो वाई क्या है रियल है, तो माइनस दो लिख सकते हैं ना, यस सर, वाई रियल है रियल जो वाई जो माइनस दो माइनस दो नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पर अगर आप माइनस दो रख दोगे रूट में आ गया ना माइनस दो, तो इमेजिनरी हो गया नहीं हो गया, रियल हुआ नहीं हुआ, तो ये आपको वन टू फंक्शन होगा, तो कौन ऑप्शन होगा, एफ नो तो वन टू होगा नहीं, वन वन होगा, बी होगा, ऑप्शन मारेंगे हम, बी होगा, बी होगा, बी कार्ड है कि मैनी वन वन टू, बी होगा, अच्छा वन टू बी होगा, बी होगा, वन टू में शामिल है, अच्छा वन टू नहीं ना, बी होगा, नो तो वन वन है नहीं, वन टू वन टू सही हुआ कि जरूर है, कितना मिट्टी चाहो, आप लाइफ में तो कोई सोच भी नहीं करिए कि नंबर है तो क्या हमारा ज्यादा ये बीबीआई क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ा है कि लेट एफ फंक्शन है आर टू आर समझ गया ना, एफ क्या है फलन है जो आर से आर में यानी रियल नंबर से रियल नंबर में है, अब ये डिफाइंड है एफ एक्स बराबर क्या है 3x है, एफ एक्स किसके बराबर है 3x के बराबर, ये फलन इस प्रकार से डिफाइंड है एफ एक्स बराबर 3x, चूज द करेक्ट आंसर, तो सही उत्तर का क्या करना है चूज करना है, करना है चयन करना है, तो बोलो ये चार ऑप्शन आपके सामने में है एफ वन 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 टू और मेनी वन वन टू, देखो वन वन बट नॉट वन टू नाइदर वन वन नोर वन टू, समझ गया ना, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं कि इनका कौन सही ऑप्शन होगा, तो देखो एफ एक्स बराबर क्या है 3x है ना जी, तो वन वन के लिए क्या करोगे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू करोगे ना, तो 3x1 बराबर क्या होगा 3x2, ये कट गया ना, एक्स वन बराबर क्या होगा x2 हो गया, वन तो ये आपको वन वन हो गया ना, यस वन वन हो गया, अब वन टू, यस सर, वन टू चेक करते हैं तो y बराबर क्या होता है y बराबर एफ एक्स होता है ना, एफ एक्स का मान क्या है 3x है, एक्स बराबर क्या होगा 3, y बराबर 3, ये रियल नंबर होगा कि नहीं होगा, ये सर होगा, होगा ना रियल नंबर, अच्छा ये नहीं होगा कि होगा, अब की बार वाई बटा होगा सर होगा, क्योंकि ये हम जो लिखे हैं सही है कि गलत है, गलत है, गलत है ना, क्योंकि वाई का कोई भी मान रखो, वाई का कोई भी मान रखो रियल नंबर नहीं होगा, जीरो रखो एक रखो दो रखो रियल नंबर ना होगा, तो एक्स क्या है रियल नंबर है ना है, तो देखो ये एक्स हो गया, ये क्या हो गया वाई, तो रियल नंबर हुआ कि नहीं हुआ, समझ चुका है ना, एक्स मतलब क्या रियल नंबर का सदस्य होता है, तो ये आपको वन टू भी हुआ, ये वन वन और वन टू दोनों है,